राजा, गरीबों का ये दाता, हम सब का ये राजा, राजा महाराजा अपना महाराजा, राजा महाराजा अपना महाराजा, गरीबों का ये दाता, हम सब का ये राजा, राजा महाराजा अपना महाराजा, राजा महाराजा। हे भगवान, हे ईश्वर, मेरे पति को, मेरे बच्चों को और पूरे परिवार को सदा खुश रखना और मेरे बच्चों को लंबी उम्र दे, यही मेरी तुम्हारे चरणों में प्रार्थना है। अरे ज्योतिष जी, आपने जो मंदिर बताया था, क्या ये वही मंदिर है? बोलिए। अरे अरे वो अरे गोविंदा, ये आरती की थाली ले और जाकर भगवान की आरती करके आ। क्या मैं आरती करने जाऊँ? किसके नाम की करूँ? मेरे नाम की आरती कर। मालिक, आप मंदिर नहीं आएंगे? मैं अगर मंदिर नहीं आया तो पुजारी आरती नहीं करेगा। मालिक, आप घर से निकले मंदिर आने के लिए और अब मंदिर तक आने के बाद मंदिर में जाने से इनकार कर रहे हैं, क्यों? है? मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने से आपके पैर टूट जाएंगे, किसी जोशी ने कहा है? अरे गधे, तू ज्योतिषों को बीच में क्यों लाता है? उसने कहा ना, मैं मालिक, तू ड्राइवर। ठीक है ना, इसमें मेरे को क्या प्रॉब्लम है? हाँ, जो कहा है वो कर। हाँ। जा मंदिर में। हाँ, एक तो 700 रुपए पगार देते हो, ऊपर से गधे की जैसे काम करवाते हो और ऊपर से जोशी की बातें भी मुझे सुननी पड़ती है। एक दिन तुझे मजा चखाऊंगा बच्चू। ये अच्छा मुहूर्त है, फटाफट काम शुरू कीजिए। पंडित जी, आप ये बात बताओ कि कितना भी बड़ा आदमी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भीख मांगेगा तो क्या अच्छा लगेगा? अरे जजमान, आपकी कुंडली में फिलहाल शनि की वक्र दृष्टि है, इसलिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो कितना भी करोड़पति आदमी क्यों न हो, उसे इसी तरह लंगोट पहनकर भीख मांगना पड़ेगा। साहब, क्या भैया, एक लॉटरी का टिकट ले लो। अरे तुम लॉटरी वालों से तो मैं तंग आ गया हूँ। मंदिर में घुसने के लिए भी पावती लेनी पड़ती है, भगवान के दर्शन अर्चना की पावती, मंदिर के बगीचों को देखने के लिए स्पेशल पावती, और इतना सब करके बाहर आया और उसके लिए भी पावती। अब तुम बोलते हो कि लॉटरी की टिकट खरीदो, यहाँ तक कि तुम गुंडों को MLA की टिकट भी दे देते हो। जहाँ देखो वहीं पावती और टिकट का चक्कर। सिर्फ एक टिकट ले लो साहब, मुझे अपने गाँव रायपुर जाना है। क्यों बे शाणे, क्या तुझे रायपुर से किसी ने चिट्ठी लिखकर बुलवाया था? तेरे जैसे लॉटरी वालों की वजह से गाँव के लोग आलसी हो गए। ईश्वर के नाम पे दे दे बाबा, भगवान के नाम पे दे दे बाबा, दे दे बाबा। यहाँ बैठे सारे भिखारी गला फाड़ फाड़ कर भीख मांग रहे हैं और तू क्या कर रहा है? मैं इज्जत के साथ भीख मांगता हूँ। ओहो, तेरी इज्जत की भीख है? ले। ओहो, अब मेरे हाथों से तुझे भीख देनी पड़ रही है, ये वक्त आ गया है। आप लोग क्यों चिल्ला रहे हो? वहाँ उस आदमी की थाली में मैंने 20 रुपए डाले हैं, वहाँ जाकर अपना हिस्सा ले लो। उसने 20 रुपए नहीं, 1 रुपए का सिक्का डाला है। अरे जिसने भीख दिया वो बहुत बड़ा दानवीर है, झूठ नहीं बोलता। अरे ये तो नया है, हमारे भिखारी यूनियन का मेंबर है। यूनियन? कैसा यूनियन? हमारे पूरे राज्य के भिखारियों का यूनियन है। इससे पहले तू कहाँ भीख मांगता था? भाई मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, मैं तो एक बहुत बड़ा करोड़पति आदमी हूँ। ए, तू इतना बड़ा करोड़पति है क्या? तू हमसे भी बड़ा करोड़पति है क्या? अरे हमारे बॉस गए हुए बैंक तक, ले देखो वो आ गए। ए, यहाँ पर क्या लफड़ा हो रहा है रे? ये नॉन मेंबर पता नहीं कहाँ से आकर हमारे एरिया में भीख मांग रहा है। क्यों रे, कौन है तू? मैं धनी आदमी हूँ, एक मन्नत मांगी थी, उसके लिए मंदिर में भीख मांगनी पड़ रही है। वो सब मुझे नहीं मालूम, अभी तुझे 3 दिन के मेंबरशिप का पैसा भर के जाना पड़ेगा इसी वक्त। हाँ, इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे पैसा भरना ही पड़ेगा, पैसा भरना। अरे तुम लोग रुको रुको यार, पहले से इन्हें भीख मांगने की आदत नहीं है, ये लोगों को उधार दे उनसे ब्याज खाते हैं, अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मंदिर में भीख मांगते हैं, और तो और ये भगवान के नाम पे दान भी करते हैं। अरे वो सब जाने दे, इनका 3 दिन का कितना अमाउंट बना वो बता मुझको। वो कुछ नहीं, आज महाशिवरात्रि का दिन है, ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपए दे दीजिए। 5,000? तू कौन होता है बोलने वाला? ठीक है तो फिर आप ही बोलिए। चलो ठीक है, 5,000 दे दो। ओ जोशी, निकाल के दे। अरे पागल, पैसे क्यों गिन रहा है? सब दे दे उनको इतना। चंगा, तो इधर आ। आया मालिक। खाना देना चाहिए तो ये चेक बुक और पेन दे रहा है मुझको। ये मैंने नहीं रखा, आपके बच्चों ने रखा है। ये सब क्या है? पॉकेट मनी तो चाहिए ना। मुझे भी चाहिए।
क्या है ये सब? तुम लोग सुबह शाम पैसे मांगते रहते हो, पैसा वैसा तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। जाओ, चले जाओ यहाँ से, कुछ भी नहीं मिलेगा। ये क्या, पिछले हफ्ते तो पैसे दिए थे, उसमें से कुछ नहीं बचा क्या? एक हफ्ता यानी पूरे 7 दिन खर्चा नहीं होता क्या? तुम दोनों मुझे मत सिखाओ, तुम दोनों को पैसों की कीमत नहीं मालूम अभी तक, समझे? तुम लोग ऐसी बातें मत किया करो हमसे। तुझे नहीं बोला, इनको बोल रहा हूँ मैं। हमारे जमाने में पिताजी 4 आना देने के लिए रोते थे, बाद में वो 4 आना भी नहीं देते थे। तो मैं क्या करूँ बोलिए? आपके पिताजी तो गरीब थे, लेकिन मेरे पिताजी करोड़पति हैं। आप 4 आने के लिए रोए तो हम भी पैसों के लिए रोएं क्या? अब आप इतने पैसे वाले होने के बाद भी बच्चों को पॉकेट मनी के लिए रुलाएंगे क्या? क्या मैं तुम लोगों को पॉकेट मनी नहीं देता हूँ क्या? क्यों तुम लोग मुझे कोस रहे हो? जिस बाप ने आप लोगों को पैदा किया उसी को बेवकूफ बना रहे हो। हमने कहा था पैदा करने के लिए, पैदा किया हो तो आप इसका अंजाम भी भुगतो। अजी सुनिए। क्या है? सुनिए तो। क्या है बोलो तो। मेरे हाथों से एक पाप हुआ है। दाल में नमक ज्यादा हो गया तो भी मुझसे कहती है, चावल में नमक ज्यादा हो गया तो भी मुझसे कहती है कि पाप हो गया, पाप हो गया। तू जा यहाँ से। भूल गई चड्डी। चड्डी अभी सूखेगी इस रस्सी पे, अब हम करेंगे स्नान। अरे कौन है हा? कौन है जो लड़की जैसे पायल डालकर आ रहा है? पायल डालकर लड़की ही आ रही है, नाम है चमेली। ओए, एक कुंवारा लड़का नहाने जा रहा है तो तुम अचानक अंदर कैसे घुसे चली आ रही हो? अगर तुम 5 मिनट लेट आती तो आज मेरी इज्जत उतर जाती। चल निकल। तुम्हें तो अपनी इज्जत की फिक्र है, मेरे बाथरूम के पीछे आम का पेड़ गिर गया है, मैं अकेली लड़की कहाँ नहाती इसलिए यहाँ पे चली आई। तो मैं क्या करूँ, मैं तो यहाँ नहाने वाला था लेकिन अब मैं जाता हूँ। क्या लड़कियों की तरह शर्माते हो, हम दोनों यहीं पर नहा लेते हैं, तुम वहाँ नहाओ मैं यहाँ नहाती हूँ। डरपोक कहीं का डरता है। डरपोक बोलती है? मैं किसी से नहीं डरता, दारा सिंह का चेला हूँ मैं। ओई, ओई, ये क्या देख रहा हूँ मैं? मुझे जो दिख रहा है वो तो बंद कर और जल्दी से नहा के यहाँ से निकल जा। ठीक है। ये ले, संभाल के नहा ले, पानी गर्म है, कहीं तेरा बदन ना जल जाए। अरे ये बात मुझे उससे बताने की क्या जरूरत है? चुप बैठ। तुम किसके साथ बात कर रहे हो? मैं अपने आप से बात कर रहा हूँ। कह रहा था पानी बहुत गर्म है, तुम्हारा बदन जल जाएगा, लेकिन सोचा तुम्हें ना ही बताऊं। ओए इतना गंदा काम कर रहा है, बाहर बड़ा आदमी बनकर घूमता है, यहाँ ऐसा करते शर्म नहीं आती? और क्या क्या कहता है तुम्हारा दिल जी? मेरे मन में तो हजारों बातें हैं, लेकिन मैं हर बात तुम्हें क्यों बताऊं? तू बस जल्दी से नहा के यहाँ से निकल जा, मेरी जान छोड़। क्या हुआ? पानी बहुत गर्म है, मैंने कहा था ना बदन जल जाएगा। संभल कर, चक्कर आ रही है क्या? मैं संभालता हूँ। अरे इस तरफ मत गिरना, इस तरफ मत गिरना, अरे इस तरफ मत गिरना, अरे मैं संभाल। अरे मेरी चट्टी है। चलो चलो, एक काम करो, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ जाओ। अरे मेरा पैर जल रहा है, मेरा पैर जल रहा है। अरे रुको, चिल्ला मत, निकालता हूँ। ठीक है, रुको, इसे निकाल देता हूँ। रुको, सीधे करो, रुको। हाँ, ये मैं आ गया ऊपर। अब मैं किचन में। अरे बाथरूम में क्या हो रहा है, किसी लड़की की आवाज आ रही है। भारी हो गई हो तुम, अरे अपनी तरफ से भी तो कोई कोशिश करो। हाँ लगता है सुबह सुबह तू चालू हो गया। ठीक है, लगा रहा है। देखा किसी ने सुन लिया ना, पता नहीं कहाँ से आके मेरे गले पड़ गए। तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे शादी करूंगा? देखा तुम्हारी वजह से मेरा नाम पूरा खराब हो गया। अब जब बदनामी हो गई तो कर लो ना मुझसे शादी। अपनी बकवास बंद कर, जब तक मेरे बहन की शादी नहीं हो जाती मैं शादी नहीं कर सकता। तो फिर बहन की शादी के बाद मुझसे शादी करोगे? वो सब बाद में देखेंगे, अभी मुझे बाहर जाना है। बाद में क्यों देखोगे? तुम जब भी मिलती हो सिर्फ मुझसे शादी करने की बात करती हो, तुम्हारी वजह से आज मैं नहा नहीं पाया। गलत है, तुम्हारी वजह से मैं नहा नहीं पाई है ना? ये बात है तू? इस घर में कोई भी चीज एक जगह पर रखी हुई नहीं मिलती है, अब मेरा पीला शर्ट कहाँ गया पता नहीं चल रहा है। हाँ खोल रहा हूँ, आओ। ये बला फिर आ गई, आज तो मैं इसकी खबर लेता हूँ। ये डंडा तेरी खबर लेगा। अरे ये कौन है? अरे रानी तू? अरे बहना तुम हो? अरे रे ये क्या बेढंगा हुलिया बना रखा है तुमने अपना, और ये क्या देख रहा हूँ मैं तुम्हारे वो लंबे लंबे बाल कहाँ गए? कैसी बातें करते हो, ये तो लेटेस्ट फैशन है। तेरा फैशन क्या तेल बेचने? एक लड़की होकर ये क्या लड़कों जैसा हुलिया बना रखा है? अरे रे किससे पूछ के तुमने ये किया? मेरी प्यारी बहना तुम कौन से दुकान में अपने सुंदर बाल छोड़ाई हो? ब्यूटी पार्लर में। लड़की ने काटे या लड़के ने? लड़के ने। अय्यो रब्बा मैं मर जावा,
अगर तुमने अब घर के बाहर कदम भी रखा ना तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगा। चलो जाओ अंदर। रोना बंद कर। देख अगर तू इस तरह से रोई ना तो फिर देख मैं भी रोने लग जाऊंगा। तुम्हें जो करना है वो कर लो। बाल काटने बाल कटवा लो। तुम्हें अगर ब्लीचिंग करने की इच्छा है तो वो भी करवा लो। मेरी माँ तुम्हें जो करना है वो करो लेकिन फैशन को सीमित रखो नहीं तो लड़की और लड़के में कोई फर्क नजर नहीं आएगा। पिताजी सुबह के वक्त लोग काम पर जाते हैं और आप है कि दारू पीने में लग गए हैं। अरे बेटी कल रात शराब के नशे में मैंने इतनी गाड़ी कहाँ छोड़ी मुझे कुछ याद ही नहीं। हाँ छोड़ी हुई किसी दारू की दुकान के सामने। जाइए जाकर ढूंढिए जाइए। अरे अब किधर ढूंढूं मैं। एक्सक्यूज मी मास्टर कहाँ है? Excuse me? Yes. मैं इस जिम की नई स्टूडेंट हूँ। वो तो देखने से ही लगता है। मास्टर कहाँ है? क्या पूछा आपने? यहाँ पर मास्टर कौन है? मैं हूँ। ओह तो आप है मास्टर। हाँ हेलो। एक्सरसाइज चालू करें क्या? हाँ इसी वक्त। कपड़े उतारो। आप ये ड्रेस निकाल के जो जिम के लिए पहना चाहता है वो पहन कर आइए। एक्सक्यूज मी आपका नाम? रानी। रानी राजा रानी रानी राजा थर्टी सिक्स होगा क्या? नहीं मास्टर जी सिर्फ 16 है। नहीं मैं उम्र की नहीं वेट की बात कर रहा हूँ। वो कितना है? नहीं 46 है मेरा। 46 कम करना पड़ेगा। लेट जाओ। जाकर सो जाओ। बोला तो सोना नहीं है एक्सरसाइज के लिए लेटना है। मैं मास्टर हूँ मुझसे शर्माना नहीं। आराम से हाँ उठो हाँ उल्टे हो जाओ। हाँ आराम से आ आ आ आजा वन टू थ्री। मास्टर के होटो के पास आओ। रमेश तू यहाँ पर क्या कर रहा है? कुछ नहीं मास्टर जी नई स्टूडेंट है इसलिए थोड़ा सिखा रहा था। नए स्टूडेंट को तू सिखाएगा? क्या वो मास्टर नहीं था? अरे वो भी आपकी तरह एक स्टूडेंट है। ऐसे लोगों को आप अलाउड क्यों करते हैं? अब मैं क्या कर सकता हूँ उसका बाप जो पैसा देता है तभी तो ये जिम चलता है। आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? ये क्या एक दिन तू जिम क्या करने गई तेरे बदन में इस तरह से दर्द होने लग गया? अरे किसने तुझसे कह दिया कि वो जिम का मास्टर है? मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। हाँ क्यों रे लगता है तुम्हारा ध्यान कहीं और है? हाँ क्या कहा? हाँ क्या कहा मैंने? मतलब तुझे भी वो बीमारी हो गई। चल चल हट। कौन सी बीमारी? वही जो इस उम्र में सबको हुआ करती है। अच्छा ये पता कौन है वो जिसने तेरी कमर तोड़ी? हाँ बहुत पैसे वाला है देखने में भी सुंदर है। हाँ। लेकिन पता नहीं खुद को क्या समझता है जैसे उसके जैसा कोई दुनिया में है ही नहीं। बहुत शरारती है। हर लड़की को छेड़ता रहता है क्या? दीदी जब मैं उससे मिलूंगी तो जरूर। हाय ए मैं सब समझ गई। तू चाहे उसके बारे में कुछ भी कह ले लेकिन तेरे दिल में कुछ कुछ हो रहा है। अच्छा एक बात बता तू जिससे प्यार करने लगी है उसको जानती है? नहीं। कहीं वो तुझ पे लाइन तो नहीं मार रहा है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे पागल लड़की अगर किसी से प्यार करो तो पहले उसके बारे में पता क्या करो? ऐसा नहीं चलेगा। पहले उसके बारे में जानने के लिए कोई आइडिया लगाना होगा हमें। क्या आइडिया है? इतनी उतावली मत बनो पहले सबर क्या करो थोड़ा। सबर का फल मीठा होता है। ए भाई वो जो सोने की मछली है वो बेचने के लिए क्या? जितना मांगोगे दे दूंगा। किस लिए? खाने के लिए। चुप। खाने के लिए? वो सोने की मछली अलग है ये मछली मैंने पालने के लिए रखी है इसे मैं कभी नहीं काटूंगा। चल जगह खाली कर। रोको रोको ड्राइवर मैं चिकन खरीद कर आता हूँ तुम मेरा वेट करना। हाँ मैं तेरा वेट करता हूँ लेकिन तुम मुर्गी को बराबर वजन करके लेना। मेरी पूरी जिंदगी खाना पकाने में बीत गई लेकिन वेट की मुर्गी नहीं देखी। तू ही तो एक मुर्गी का बच्चा है। ए पाव किलो आधा किलो हटाओ। भाई 2 किलो एक ही मुर्गी
अरे वाह 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 वाह, ऐसा ग्राहक आएगा तो कितना अच्छा है। ये सब तो चिल्लर ग्राहक है। ए, तू इधर का ग्राहक देख, मैं किलो वाला देखता हूँ। दो किलो की एक मुर्गी। हाँ जी, आपको कितना चाहिए? एक मुर्गी दो किलो। ये लो दो किलो। ये थोड़ी कम पड़ रही है। रुको 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 रुको। अजय रुको, क्या दे रहा हूँ ना? क्या एक ही मुर्गी दो किलो बोला ना, फिर ये टुकड़ा क्यों डाल रहे हो? अजय थोड़ा कम पड़ रहा है इसलिए थोड़ा डाल रहा हूँ, और क्या। ऐसा बोल बच्चन, मुझे मत सिखा, ज्यादा होशियार मत बनो। एक मुर्गी दो किलो देता है तो दो, नहीं तो मैं दूसरी दुकान चला। रुको रुको रुको, सुबह बोनी का वक्त है और आप कहाँ जा रहे हैं? एक ही मुर्गी और वो भी दो किलो की, यही कहना चाह रहे हो ना सब आप? शक्ल से तो एकदम उल्लू का पट्ठा लग रहा है ये। देखा ना, बराबर दो किलो है ना। आदमी हो, एक मुर्गी और दो किलो ऐसा बोला है ना, तो दो मुर्गियां रख के तुम दो किलो कैसे बोलते हो? क्यों साहब खामखा टेंशन दे रहे हो, ये दो नहीं एक ही मुर्गी है। मेरे पूरे गांव में मैं ही सबसे ज्यादा पढ़ा हूँ, तीसरी तक पढ़ा हूँ मैं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। ये ऐसे नहीं समझेगा, इसको अपनी भाषा में समझाता हूँ। सुनो, ये दो नहीं एक ही मुर्गी है। ऐसा कैसे? कैसी बात कर रहे हो? ये जो है ना, ये जब छोटी थी तब इसको छीला था, और जब ये थोड़ी बड़ी हो गई तो फिर छील दिया, इसलिए ये दो नहीं एक ही है। ओहो ऐसा है क्या? तो फिर पहले बोलना चाहिए था ना। मैं अकलमंद हूँ जो समझ गया, अगर कोई लल्लू पल्लू होता तो क्या होता। अच्छा अच्छा ठीक है, अब दे दो मुझे। ऐसे कामों में टैक्ट जाना चाहिए। हाँ बोलो कितने पैसे हुए? अच्छा यार, रख दो। कितने पैसे हुए? 3545 मिला के 80 रुपए। ये पकड़ो, बाकी पैसे ये लीजिए। हाँ ठीक है ना साहब। अच्छा चलता हूँ। कितना दूँ? चलो भाई चलें। क्यों रे, पूरी दो किलो मुर्गी ली है ना, या उसमें भी कोई कमीशन मार रखी है? कमीशन वगैरह कुछ नहीं, एक मुर्गी दो किलो। क्या तूने मुझे अंधा समझा है? ये क्या है? एक मुर्गी। और ये क्या है? एक मुर्गी। टोटल कितनी? एक मुर्गी। इस मुर्गी की कितनी टांगे हैं? दो टांगे। इसकी? दो टांगे। टोटल कितनी? एक मुर्गी की दो टांगे। ओफो, अरे पागल, किसने कहा तुझे? उस मुर्गी वाले ने कहा। उसमें वो क्या बड़ा कंप्यूटर है क्या? चल मेरे साथ। ओए मुर्गी वाले, जब तुझे कोई बेवकूफ आदमी मिलेगा तो उसे और बेवकूफ बनाएगा। उसे दो अलग अलग मुर्गियां देकर एक मुर्गी बोलेगा। तू कहां तक पढ़ा है? क्यों, अब मुर्गी खरीदने के लिए भी डिग्री लेनी पड़ेगी। ऐसा है, ये तीसरी तक पढ़ा है तो तू कहां तक पढ़ा है? हां मैं तो दूसरी। अच्छा, तो तुझे दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। वो देख, वहां बच्चे की तस्वीर दिख रही है, कौन है वो? वो मैं हूं रे। पता नहीं, 7 साल का था तब खींची है वो तस्वीर। अब उसके बगल में जो तस्वीर है वो किसकी तस्वीर है? हां ये तो तू है। हां मेरी है ना। वो 27 साल का था तब निकाली थी, और वो 7 साल का था तब निकाली थी। दोनों ही तस्वीरों में आदमी एक ही है ना। उसी तरह से जब ये बड़ी हो गई तब इसको छीला था, और वो जब छोटी थी तब उसको छीला था। कैसे कैसे? देखो ये बड़प्पन में छिली हुई मुर्गी है, और ये बचपन में छिली हुई मुर्गी। मुर्गी तो एक ही हुई ना। अरे अरे अरे, अरे अब तो मेरा दिमाग फट गया। इसका खून भी चाहिए क्या? खून है क्या? अरे चिकन वाले भाई जरा सुनो तो, इसको खून चढ़ा दो। ड्राइवर है, मैं गाड़ी का मालिक हूँ, मैंने ऐसा बोला क्या? जब देखो तब ड्राइवर करके चिल्लाता रहता है। चलो अंडे की दुकान पे चलते हैं। मैं किसी अंडे की दुकान पे नहीं जाने वाला, इन मुर्गियों के चक्कर में दिमाग खराब हो गया है। कहीं जमेले में मैं किसी को गाड़ी से ना उड़ा दूं। तू अपनी मुर्गियां लेके जा, जा। खुद को बहुत बड़े हीरो समझता है क्या? तुम मुझसे झगड़ा करना चाहता है क्या? झगड़ा कौन कर रहा है? झगड़ा तो तू कर रहा है मेरे साथ। अरे तू होता कौन है उस लड़की को एक्सरसाइज सिखाने वाला? उस पे लाइन मार रहा है, बता मुझे। ओ वो लड़की। ओ वो लड़की। ए वो रानी कौन है तुझे पता है क्या? वो अपुन की आइटम है, लवर है। अरे इतनी मुश्किल से तो उससे पटाया है, तू बीच में आकर क्यों टांगा अड़ा रहा है? ए तू जो समझ रहा है मैं वैसा आदमी नहीं हूँ, रास्ता छोड़। हाँ मुझे सब पता है। खूबसूरत लड़की क्या देखी, उसके पीछे दुम हिलाते हुए चले गए। उसे साड़ी खरीदोगे, पिक्चर दिखाओगे, घूमने ले जाओगे। ए सुन, मेरे सामने ये सब बहाने नहीं चलेंगे तेरे, समझ गया? चुपचाप यहाँ से फुट ले, नहीं तो मैं तेरी ऐसे। ए डोपे सोन, मैं चुपचाप बैठा हूँ और तू हद से ज्यादा बात किया जा रहा है। अभी तक तो मैंने किसी लड़की से प्यार नहीं किया, लेकिन अब करूँगा। तुझे जो कुछ करना होगा वो कर लेना, मैं भी देख लूंगा। तू उसे प्यार नहीं करेगा? करूँगा। तू उसे नहीं करेगा? नहीं करेगा। उसी से करूँगा। सुनो, आज शाम को 5 बजे मैं उससे मिलने गार्डन जाऊँगा। तुम वहाँ पर नहीं आओगे? नहीं आओगे? मैं आऊँगा, जरूर आऊंगा। और सिर्फ आऊंगा नहीं, उससे मिलूंगा भी, देख लेना। ठीक है, देख लेता हूँ। मैं वहाँ आऊंगा और उस लड़की से मिलूंगा भी, और नहीं मिल पाया तो मूछे मुड़वा लूंगा। ए मैं भी मूछे वाला हूँ, अगर तू वहाँ आया ना तो मैं अपनी मूछे मुड़वा लूंगा। नहीं तो मैं भी मुड़वा लूंगा। पक्का? पक्का पक्का। ए हीरो, शाम को 5 बजे गार्डन में मिल लेना। अरे बात बन गई।
तो मेरी प्यार की चंदन की खुशबू रे। अरे तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो मेरे दिल की हर एक धड़कन में। अरे तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो मेरी प्यार की चंदन की खुशबू रे। अरे तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो मेरे दिल की हर एक धड़कन में। मेरी चाहत है तू, मेरी प्यास है, मेरे दिल की हर धड़कन की एक तू ही आस है। मेरी जान है, दिल का अरमान है, तेरे लिए जानू मेरे दो जहां कुर्बान। तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो मेरी प्यार की चंदन की खुशबू रे। और चाहे सह सकता नहीं मैं, देखे बिना तुझको रह सकता नहीं मैं। तू क्यों चक्कर में पड़ी, तू है नादान बड़ी, मुश्किल है घड़े तू क्यों पीछे पड़ी। तुझे मैं इतना चाहूं तर भी तोड़ लाऊं, ले ले ये फूल गोरी तेरे जूड़े सजाऊं। तुझसे न ये प्यार करे झूठा है ये लोफा है, मैं तुझसे ले ओ गोरी तुझ पे जान लुटाऊं, तुझे पाने की खातिर दुनिया से लड़ जाऊं। अरे तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो मेरे दिल की हर एक धड़कन में। अरे तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो मेरी प्यार की चंदन की खुशबू रे। निशानी बन जा तू मेरी रानी, तेरे ही नाम लिखूं सारी जवानी। रानी बना के रखो बात सब मानू तेरी, रात भर सेवा करूं प्यार इतना मैं करूं। आजा मेरी बाहों में तू जी भर के मैं प्यार करूं, आजा मेरी दिल भर जानी किस्मत तेरी सवार दूं। तेरा चांद सा चेहरा तेरी पतली कमर है, आजा मेरी जान दो तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो मेरी प्यार की चंदन की खुशबू रे। अरे तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो, तू ही तो मेरे दिल की हर एक धड़कन में। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, तुमने भी शायद ये ही सोच लिया। अरे बाप रे, यार तो पूरा जल गया, वो देखेगा तो मुझे जान से मार देगा। ऐसा करता हूँ इसको घड़ी करके रख देता हूँ। ओ स्त्री, अंदर मालिक कुत्ते की तरह चिल्ला रहे हैं, तू शर्ट स्त्री कर रहा है, क्या कर रहा है? अरे मैं तो अंदर से नहीं आ रहा था। ए, ऐसे क्या देख रहा है? अरे मेरी आंखें ही ऐसी है। तेरी आंखों का इलाज करना होगा। आ? ये लीजिए। क्यों, एक शर्ट को प्रेस करने में इतना टाइम लगता है? शर्ट को बड़े आराम से स्त्री करना होता है ना, उसे अंदर से घुमा घुमा के स्त्री करते हैं।
तो मुझे ये सब मत समझाया कर, समझा? ये क्या? इस शर्ट में तो तेरी शक्ल साफ साफ दिखाई दे रही है। अरे हाँ, इधर से भी आपकी शक्ल दिख रही है। अरे बाप रे, ग्लैड टू मीट यू, आपके क्या हाल चाल है? छोड़ मेरा हाथ। ओए इस्त्री वाले, सुन, आ जा रहा है। ये तूने शर्ट का क्या किया, इसको बाइस्को बना दिया है? क्या कुछ भी बकवास कर रहे हो, पी रखी है क्या? अबे दांत तोड़ दूंगा। पी तूने रखी है, मैंने रखी है? ये शर्ट जला के रख दी तूने? नहीं, मुझे गाली दो, मेरे मुंह पे थूक दो, लेकिन मेरे धंधे के बारे में कुछ मत कहो। अबे कुत्ते कमीने, कुत्ते कालिए काने कालिए काने हाथ दो। ये सही है, ये अच्छा है, लेकिन धंधे के बारे में उल्टा नहीं बोलना। आज तक मैंने बहुत सारे कपड़े इस्त्री किए हैं, टेरिकॉट, टेरलिन, नायलॉन, खादी। लेकिन ये सब तो मुझे क्यों बता रहा है, अपना ड्रामा बंद कर। मेरी आज तक जिंदगी में कभी कोई कंप्लेंट नहीं आई, ये आपका पहला कंप्लेंट है, पता नहीं कैसे। शराब पीकर मेरी शर्ट जला दी और मुझे ही भाषण दे रहा है तेरी तो। अरे मेरे बाबू, अरे मेरी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी, अरे मेरी गाड़ी, अरे रुक जा, अरे अरे बाप रे बाप, मेरी गाड़ी को चकनाचूर कर दिया। अरे कमीनो, तुम्हारा जिंदगी में कभी भला नहीं होगा। अरे कमाल कमाल। ओए कौन है जिसने ये गाड़ी तोड़ी? ओए कमीने, बाहर आ जा। बाहर निकल, बाहर निकल, जल्दी निकल। ओए डेढ़ फुटिया, जरा आपने मेरे के बात कर। गाड़ी तोड़कर तुम लोग घर के अंदर बैठे हो, जरा बाहर निकल आओ। बाहर आओ। सुनो गुरु, जल्दी से बाहर निकलो रे। अबे डेढ़ फुटिया तू चुप बैठ, मेरे जैसे हट्टा कट्टा ही काफी है उसके लिए। गुरु मेरी बॉडी देखी है क्या? तू चुप बैठ। सुगड़ू कौन है तुम लोग? इन लोगों को 1000-2000 दे दीजिए, ये लोग चले जाएंगे। ए, तुम लोग मेरे घर के सामने क्यों चिल्ला रहे हो? तुमने इसकी रोजी रोटी पर लात मारी है। ओ, जो उसकी लक्ष्मी थी, इसकी स्त्री की गाड़ी, जिसको तूने लात मार के तोड़ दिया, अब ये बेचारा क्या करेगा? कौन सी लक्ष्मी? इसकी स्त्री की गाड़ी इसकी लक्ष्मी है, जिसको तुमने तोड़ दिया है। अब हमें शराफत से 2000 रुपए दे दो, हम लोग चले जाएंगे। इन लोगों को 1000-2000 दे दीजिए, ये लोग चले जाएंगे। ए चुप पागल, 1000-2000 रुपए की रकम बहुत कम होती है क्या? मैं अभी नीचे आता हूँ। अरे सुनो, मालिक आप लोगों को पैसे देंगे, लेकिन आप गाड़ी को मत तोड़ना। हाँ हाँ, आ जाओ, पैसे दे दो, हम लोग निकल जाएंगे, हमारे पास भी बहुत काम पड़ा है। ए, तुम्हारे आदमी ने कैसा काम किया, उल्टा उसने मुझे पैसे देने चाहिए, ऐसे थोड़ा ही मैं पैसे देने वाला हूँ। चलो निकलो यहाँ से। मालिक क्या बोल रहे हो, पैसे देने का बोलकर पैसे नहीं दिया तो आपको हाथ में डंडा नहीं दिखता, या आपकी गाड़ी का कांच तोड़ देंगे। अरे तुमने तो कांच तोड़ दिया, अब क्या तुम गाड़ी का हेडलाइट भी तोड़ने वाले हो क्या? क्या बोनट भी तोड़ोगे? अरे हाँ, अरे अरे ये तो हेडलाइट है। क्या क्या तूने? तुमने मेरी गाड़ी तोड़ी, मैंने तुम्हारी गाड़ी तोड़ी, मेरी गाड़ी हुई लंगड़ी, तुम्हारी अंधी। अरे 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 उस्ताद, तुम गाने के स्टाइल में डायलॉग कैसे बोल लेते हो? अपने मुंह से बोलता हूँ और क्या, तू टायर लेके निकल आगे। अरे मालिक ये क्या हो गया, ये गाड़ी तो तोड़ के चले गए। तूने गाड़ी के बारे में उन्हें बताकर हर एक चीज तोड़वा दी तूने, अब अगले महीने की तेरी पगार बिल्कुल कट। अगले महीने की पगार? अब गाड़ी ही नहीं रही तो पगार कैसी देंगे आप? मालिक अब गाड़ी नहीं रही तो आप कैसे जाएंगे? चलिए जी, घोड़ा गाड़ी से। बेटा चांगी साहब जी, बहुत दिनों से मेरे इस पैर में बहुत दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है। साहब जी अब आपकी उम्र हो गई है। बेटा इस पैर में बहुत हो रहा है, इस पैर में बिल्कुल नहीं हो रहा, ऐसा क्यों हो रहा है? अपना जो ड्राइवर है ना, कोई काम का नहीं है, कहो कुछ हो करता कुछ है, लेफ्ट में बोलो तो राइट जाता है, राइट में बोलो तो लेफ्ट जाता है, शराब भी पीता है। अब ये तो कुछ काम का नहीं रहा, लेकिन मेरे गांव में एक बहुत अच्छा ड्राइवर है, ड्राइवरों में ड्राइवर है, नंबर वन ड्राइवर है, सीट पर बैठकर क्या ड्राइव करता है, ऐसा लगता है जैसे हवाई जहाज चला रहा है। ऐसा ड्राइवर है क्या? हाँ है ना ऐसा ड्राइवर, मैं अभी उसे लेटर लिखकर बुलाता हूँ। बुला ले, बुला ले। मालिक आपके पैरों में दर्द क्यों रहता है आपको पता है? नहीं पता है ना, मैं आपको बताता हूँ। ये पता नहीं आपको क्या क्या बेकार के आइटम बना के खिलाता रहता है, जिसकी वजह से आपके पैरों में दर्द रहता है। मेरे गांव में इतना बढ़िया कुक है, जो आपको बढ़िया खाना बना के खिलाएगा, बढ़िया खीर बना के खिलाएगा, मैं उसको खत लिख के बुला लूं क्या? अब इतनी तारीफ कर रहा है तो क्या वो अच्छा खाना बनाएगा? आपकी तबीयत खुश कर देगा। आप कहते हो तो खत लिख के बुला लूं,
बोलो तो इसका क्या करूं? तो इस कुत्ते को भगा देना। किसको देखकर तू कुत्ता बोला? तू तो कुत्ता नहीं है, अरे तू तो भूता भूत। अरे जजमान, इलेक्शन नजदीक आ रहे हैं, आपको जरूर खड़ा होना चाहिए। समय बड़ा शुभ है, मिट्टी पर हाथ रखोगे तो सोना बन जाएगा, सोना पर हाथ रखोगे तो मिट्टी बन जाएगा। प्यार सकेंगे तो हाथ गंदे हो जाएंगे। लेकिन मुझे वोट कौन देगा? अगर आप नोट फेंकोगे तो आपको वोट मिलेगा। बोगस वोटिंग के लिए अलग, ओरिजिनल वोटिंग के लिए अलग, ऐसा अलग अलग रेट फिक्स होता है। सुनिए, वो कमल इस काम में एक्सपर्ट है। अगर उस कमल ने आपके पैसे हाथ में ले लिए तो समझिए आप चुनाव जीत गए। लेकिन वो तो हमारा दुश्मन है, वो हमारी मदद क्यों करेगा? पॉलिटिक्स में दोस्ती दुश्मनी नहीं आनी चाहिए। समय आने पर गधे को भी बाप कहना पड़ता है। आज का दिन बड़ा शुभ है, आप जाइए वहाँ पर और उसके पैर पकड़ लीजिए। जब इलेक्शन होते हैं तभी आपको याद आती है कि यहाँ कुछ लोग रहते हैं, और इलेक्शन के वक्त ही आपको ये सारी बातें पता भी चलती है। क्यों? सुन तो, पहले जैसी दुश्मनी की बात मत कर। तेरे घर को ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ तक आया हूँ। चोपड़ा साहब खुद आपको ढूंढते हुए आए हैं, अब आप कैसे भी करके इनको इलेक्शन जिता दीजिए। वो तो मैं जिता दूंगा, लेकिन उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? इससे पहले हमने आज तक जो किया वही करेंगे। हम लोग अच्छे अच्छे काम करेंगे, हम लोग इलाके की साफ सफाई करेंगे, लेकिन पहले आप इनको जितवा दीजिए, तभी तो ये कर पाएंगे ऐसा। गली गली में पोस्टर चिपकाएंगे, बैनर लगवाएंगे, करेंगे, नारे लगाएंगे, दंगे करेंगे, चक्का जाम करेंगे, करेंगे, गवर्नर के घर जाएंगे, हमारे ऑपोजिशन पार्टी के बारे में उनके पास कंप्लेंट करेंगे, करेंगे, मोर्चे निकालेंगे, अनशन करेंगे, चक्का जाम करेंगे, नारे लगाएंगे, करेंगे, और इतना करने के बाद भी कुछ नहीं होगा, करेंगे, बिल्कुल करेंगे। पक्का? बिल्कुल। हाँ, वो सब तो आप लोग करोगे, लेकिन तुम्हारे पास पार्टी का टिकट तो होना चाहिए ना इलेक्शन लड़ने के लिए। एक बात समझ लो, जब दोगे नोट मिलेंगे वोट। अरे क्या तू नोट के पीछे पड़ा है? मेरे पास मेरे घर में बहुत सारे नोट हैं। एक वोट की कीमत सिर्फ 200 रुपए है। हमारे सारे वोट मिल जाएंगे तो आपकी 2/3 मेजोरिटी ऐसी बन जाएगी। सही कह रहा हूँ ना? तू मुझे अच्छे वोट दिला तो मैं तुझे अच्छा कमीशन दूंगा। इलेक्शन आने से पहले ही आप कमीशन की बात करते हैं, इसलिए आपके घर में पहले ही रेट पड़ती है। वो क्या कर सकते हैं? वो लोग जो करेंगे वो तो करेंगे, तब पता चल ही जाएगा। पहले आप मुझे 2 लाख रुपए दे दो, आपका सारा काम हो जाएगा। 2 लाख किस लिए? किस लिए चाहिए? गरीब बेचारे लोगों को सुबह सुबह रेलवे की पटरी पर जाकर टॉयलेट करना पड़ता है। वो सब ऐसा क्यों करते हैं? वो क्या है ना, यहाँ टॉयलेट नहीं है ना। इतने सारे लोग हैं हमारे मोहल्ले में, और इतने घर मिला के एक टॉयलेट तक के नहीं है। आपके 2 लाख रुपए लेकर मैं इनके लिए टॉयलेट बनवाऊंगा, क्या सोच रहे सर आप? नहीं, पहली बार मैं इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ ना, सोचता हूँ कि बाथरूम की जगह स्कूल बनाओ तो उसमें क्या बुराई है। चाहे बाथरूम बनवाओ या स्कूल बनवाओ, दोनों जगह बैठना पड़ेगा। एक बार हमारे यहाँ का बच्चा स्कूल नहीं जाएगा तो चलेगा, पर टॉयलेट नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अरे मालिक, मेडिकल कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज बना के बाद में पैसा वसूल कर सकते हैं। ओहो, अरे ज्योतिष जी। हाँ, ये जोची है, इस पेटी के अंदर क्या है? हाँ, इससे पूछो। इसके अंदर नोट है। मोहल्ले के सब लोग एक बात ध्यान से सुनो, हमारे साहब की निशानी है घोड़ा। देखकर घोड़े की निशानी तुम, उस पे देना तुम वोट। देखकर घोड़े की निशानी तुम, उस पे देना तुम वोट। ओए पहले दे दो नोट, फिर मिलेगा वोट। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। सर सर आइए आइए, हमारे यहाँ के अगले MLA आप ही होंगे। आइए आइए। ए सुनो, ये हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। नमस्ते। हाँ, ये गधे हैं। नहीं, इनका चुनाव चिन्ह गधा है। इसको भी 4 टांगे हैं ना, तो हम इसको भी एडजस्ट कर डालेंगे, लेकिन हमारे शर्तें बता दी ना। हाँ, सब कुछ बता। हाँ, मुझे सब शर्तें बता दी है, मुझे सब मंजूर है, लेकिन पैसे तो ले लो। हाँ भाजी, पैसा कहाँ भागे जा रहा है, लेकिन लाए हो तो दे दीजिए, जाइए, आपका काम हो जाएगा। वोट मुझे ही देना। हो गया समझो जी, याद रखना मेरी निशानी है गधा। नमस्ते। ये क्या इधर हाथ जोड़ रहा है, क्या उधर हाथ जोड़ रहा है? वोट की भीख मांग रहे हैं। कमल, मैं एक सोच में पड़ गया हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पास तो एक ही वोट है, तो मैं किसको किसको दूं? अगर ये बात तो पहले ही सोचता तो ऐसे लोग इलेक्शन में खड़े होते क्या? अब तो ज्यादा सोच मत, पहले ये बता कि तेरे को टॉयलेट चाहिए नहीं चाहिए। देखो भाई साहब, यहाँ पे एक लेडीज टॉयलेट होगा और एक जेंट्स टॉयलेट। गुरु, टॉयलेट की हाइट बहुत बड़ी होती है और मेरी हाइट बहुत कम है, इसलिए उसको जरा छोटा करने के लिए बोलना। तू ज्यादा टेंशन मत ले, बच्चों के लिए जो टॉयलेट बनेगा उसमें थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। मुझे लगा कि गड़बड़ हो जाएगी, लेकिन सब ठीक हो गया। चलो 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 चलो। सास ने बहू का कत्ल कर दिया, 4 लुटेरों ने चैन लूट ली। इस दुनिया में पाप कितना बढ़ गया है कि पूछो ही नहीं। इस अखबार में ऐसी ऐसी खबर पढ़ के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। ओ कॉफी बहुत अच्छी बनाई है क्या? सुनिए जी, अजी सुनिए,
क्या है जब देखो तब ए जी सुनो जी करती रहती हो। मेरे हाथ से एक पाप हो चुका है। अखबार में भी पाप की खबरें, तेरे मुंह से भी हमेशा पाप की खबरें निकलती हैं। ऐसा कौन सा पाप किया है तूने? जा जाके फोन उठा, बाद में अपने पाप का रिकॉर्ड बजाना। ओए तू नीचे उतर जा, बहुत हो गया। मैं इसे जरा अच्छी तरह बांध के आता हूँ। अरे यार कमाल हो गया, किसने इसे ऊपर चढ़ा दिया? अरे वो खुद ही ऊपर चढ़ गया। ये गाड़ी में घोड़े वाले कहां से आ गए? अब क्या होगा? चिंता मत करो, देख लेंगे। अरे ये सब तैयारी किसके लिए कर रहे हैं ये लोग? ये सब आपके स्वागत के लिए है। अरे मैं तो इलेक्शन में हार गया, तो फिर ये मेरे लिए क्यों ऐसी तैयारी कर रहे हैं? अरे हारे वो भी इतनी बुरी तरह से कि आपका डिपॉजिट तक भी जब्त हो गया। ए, बकवास बंद कर, उससे पूछ क्यों बुलाया है। नमस्ते नमस्ते सर। क्या है? अरे इससे पूछ के ये सब तैयारी क्यों कर रहा है ये? ये सब यहाँ क्या चल रहा है? वो क्या है ना सर कि हम लोग ने यहाँ पे जो टॉयलेट बांधे हैं उसके उद्घाटन के लिए हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मुझे लगता है सुबह सुबह होके नहीं आया। अरे कान के नीचे दूंगा एक। एक तो मुझसे 2,00,000 रुपए ले लिया और इलेक्शन में मुझे हरा दिया, और ऊपर से कह रहा है कि टॉयलेट के उद्घाटन के लिए इंतजार कर रहा हूँ। वो क्या है ना कि देखो गधे वाला भी पता गया। ये कहाँ से आ गया? आ जाओ। अरे रे आपके कार ड्राइवर को आपने साइकिल ड्राइवर बना दिया, ये क्या देख रहा हूँ मैं सर? गाड़ी बेचकर ही 2,00,000 रुपए दिए थे, मुझसे ही पैसे लिए और मुझे ही हरवा दिया। आपका डिपॉजिट भी गया क्या? आपका वोट कहाँ पर है? वो तो गाँव में है। गाँव में क्या है? पानी में बह गया। तो क्यों आपके जैसे आदमी को इलेक्शन में खड़े होने की जरूरत है? लेकिन मुर्गी वाले तुमने बहुत गलत किया है। मैंने किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया है, ये मेरा दिल मुझसे कहता है। उधर नहीं दिल इधर है। दिल से कहता हूँ कि सबको मैंने आपको ही वोट देने के लिए कहा था। तूने हम लोगों से पैसे लिए, ना तो मुझे ही जिताया और ना ही इसे जिताया। तुम्हें पता है कि वो लारी ड्राइवर कितने वोटों से इलेक्शन जीता है? सिर्फ 15 वोटों से इलेक्शन जीता। अरे इसमें अब मैं क्या कर सकता हूँ? जिस काम के पैसे लिए वो काम मैंने ईमानदारी से किया। बताइए सर जी आपने मुझे क्या करने के लिए कहा था? हाँ इन्होंने तुझे पैसे दिए और घोड़े पर वोट डलवाने के लिए कहा। और सर आपने क्या कहा? पैसे लो और गधे पे वोट डालो। अब देखिए पैसा लेके मैं भला बेईमानी कैसे कर सकता हूँ? इसलिए एक ठप्पा लगा गधे पे और एक ठप्पा घोड़े पे। क्यों भाइयों सही है ना? ये तूने क्या कर दिया? दोनों पर वोट डालने के लिए कह दिया, इसलिए तो दोनों के वोट कट गए। ये बकवास सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आपको यहाँ गुस्सा आ रहा है और वहाँ लोगों को बहुत जोर से टॉयलेट लगी हुई है सर। पता है सर जेंट्स टॉयलेट को आपका नाम दिया है चोपड़ा टॉयलेट, और लेडीज टॉयलेट को आपके बीवी का नाम दिया है सर। अच्छा क्या नाम दिया है? बताता हूँ ना सर, श्रीदेवी उर्मिला टॉयलेट। सुनिए मालिक, डिपोजिट पहले हमने दिया है, उद्घाटन भी पहले हम ही करेंगे। अखबार में छपके आएगा। अखबार में? अखबारों में छपके आएगा। तो चलो आइए। क्या है मैं अकेला बकबक किया जा रहा हूँ और तुम बैठी हो और खा रही हो? मैं सुन रही हूँ तुम बोलते रहो। वो जो तुम्हारा पुराना लवर था ना, वो कोई ऑर्डिनरी विलेन नहीं है, बहुत बड़ा क्रिमिनल है। उसने पिछले हफ्ते 3 लड़कियों को कर दिया। ऐसा है क्या? तुम्हारी कसम। ए मिस्टर आ गया विलेन। क्यों रे, इसको पटाने के लिए मेरे बारे में गलत शलत बोल रहा है क्या इसको? ये बात 100% सच है, तू कुछ भी बोल ले, लेकिन अब हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम लोगों का प्यार सीरियस हो गया है, बल्कि अब तो बहुत गहरा हो गया है। मेरी प्यारी, मेरी बुलबुल, ए झटका, अगर तेरा प्यार स्ट्रांग है ना, तो मेरा प्यार डबल डबल डबल। रानी, बता ना, बता इसको। ए सुन रे विलेन, मैं तुझे लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, हमें डिस्टर्ब मत कर। ए रानी, निकल लेते हैं यहाँ से। ए रुक, अच्छा ये बता, तू कह रहा लव करता हूँ लव करता हूँ, लड़की को भी तो कहने दो। ए बता दो। रानी तू बताना, तू मुझसे कितना प्यार करती है और मैं भी तुझसे कितना प्यार करता हूँ, बताना। हाँ मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। सुन लिया? ऐसे नहीं चलेगा, हाथ में हाथ रखा हुआ, प्रॉमिस प्रॉमिस। हाँ तो ठीक है ना, उसमें क्या है? हाँ सच। हट टोपी, मैं इससे प्यार करता हूँ। मैं भी उससे प्यार करती हूँ। उस दिन तो बड़ी खुन्नस से बोल रहा था कि अगर मैं इससे मिल लिया तो तू अपनी मूछ मुड़वा लेगा, चल मुड़वा मूछ। कहा था क्या? हाँ मुड़वा लूं। हाँ हाँ मुड़वा। मुड़वा के दिखा। लड़की या तभी मुझे पहले थोड़ा शक हुआ था। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको उल्टा सीधा कहा, मेरा नाम चमेली है, ये नाटक मैंने आप लोगों को मिलवाने के लिए किया था बस। मगर ये तो बताओ हम दोनों को मिला के तुम्हें क्या फायदा होगा? अरे मेरी शादी होगी तभी उसकी शादी होगी। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ, आखिर बात क्या है, मैं इसके भाई से प्यार करती हूँ, इसका भाई कहता है कि पहले इसकी शादी होगी तो ही वो मेरे से शादी करेगा, इसलिए मैं लाइन क्लियर करवा रही हूँ ताकि मेरी शादी हो जाए। इतनी तकलीफ क्यों उठाई? ये तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, मैं तो इसे प्यार करता ही था। चलो जोड़ी तो ऊपर से ही बन के आती है ना। थैंक यू। ये
ये सब शादी के बाद। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, चलो रानी। हाँ तो चलिए कल ठीक 5 बजे याद रखना। टाटा। हाँ हाँ बिल्कुल भी परेशान मत होइए, जो समय आपको दिया है ठीक 9 बजे तक हम सभी बिल्कुल सही समय पे आपके पास पहुँच जाएंगे। हाँ बोलो। क्या जी, हम लड़की देखने जा रहे हैं पर हमारे बेटे अभी तक नहीं आए। नहीं आए तो क्या, हम मंगनी के लिए थोड़े जा रहे हैं, लड़की देखने के लिए तो जा रहे हैं। अगर हमें लड़की पसंद आ गई तो हम अपने बेटों से कहेंगे कि वो उनसे शादी करे। कमला तुम इतने उदास क्यों हो? हम अपने लड़के के लिए लड़की देखने जा रहे हैं ना, तो फिर क्यों इस तरह मुंह लटका कर बैठी हो? हंसी खुशी के साथ हमें वहां पर जाना चाहिए ना, तुम क्यों मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? अब मालूम पड़ा, तुम हमेशा मुझसे यही कहा करती थी ना कि मुझसे एक पाप हो गया, पाप हो गया। लेकिन मैंने कभी भी तुमसे नहीं पूछा कि क्या पाप हो गया, इसीलिए तो गुस्से में है ना। लेकिन आज मैं पूछता हूँ, ऐसा कौन सा पाप तुमसे हो गया है? क्या किया होगा आपको? बगैर पूछे कपड़े खरीदे होंगे या गहने खरीदे होंगे, क्या इतनी सी बात की वजह से आप नाराज हैं? तो चुप कर, तुम बोलो। कुछ नहीं जी। नहीं आज तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा। छोड़िए जी, रहने दीजिए। नहीं आज तो तुम्हें पूरी बात बतानी पड़ेगी, बोलो बोलो ना। हमारे 2 बेटों में से एक आपका नहीं है जी। क्या कहा? सुनिए, आप दोनों में से कमला देवी के पति कौन? नहीं नहीं नहीं, वो है। क्या हुआ नर्स? डॉक्टर ने आपको बुलाया है। चलिए। पिछले महीने का बिल बराबर था, स्कूल फीस ओके, करंट बिल बहुत ज्यादा है यार। डॉक्टर मेरी बीवी कैसी है? अरे इस बार का बिल बहुत ज्यादा, मत पूछिए। अरे आपके बिल के बारे में नहीं पूछ रहे, हमारी मैडम के बारे में पूछ रहे हैं। ओह हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, जान को खतरा नहीं है, लेकिन ये कोमा में है। कमला तुम कोमा में हो ऐसा डॉक्टर मुझे बोल रहा है, तुम कोमा में हो तो मैं अकेला क्या करूंगा? मैम साहब आप तो कोमा में चली गई, लेकिन अब मालिक को कैसे पता चलेगा कि उनके दोनों बेटों में से असली बेटा उनका कौन सा है, कि रमेश उनका बेटा है या शेखर उनका बेटा है? गोविंदा ये बात तुम्हें मालूम पड़ गई है इसलिए मैं बहुत दुखी हूँ, लेकिन ये बात तुम किसी को मत बताना क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? मुझ पे विश्वास रखिए, मैं ये बात कभी किसी को नहीं बताऊंगा। बस आप इतना कीजिए, आप मुझे नोट देते रहिए और मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, और ये राज की बात मेरा मतलब है किसी को पता नहीं चलेगी। ठीक है तुम जितना कहोगे दे दूंगा। पिताजी डॉक्टर ने कहा माँ कोमा में चली गई है। माँ का ये हाल कैसे हुआ? कार एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट से कोमा में नहीं गई, एक्सीडेंट होने से पहले एक हादसा हो गया था, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो गया। गोविंदा तू चुप कर, गोविंदा तू चुप हो जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा। पिताजी डॉक्टर ने क्या कहा, माँ को होश कब आएगा बताइए ना, माँ कब ठीक होगी? तुम्हारे पिताजी को भी यही टेंशन है कि दोनों में से कौन है। बचपन में खेला मैं गुल्ली डंडा, बड़प्पन में बच गया हाथ में सिरवंडा। अच्छा गाते हो, कौन गाया है? विष्णुदेवा, विष्णुदेवा। दो आदमी थे क्या? वो क्या है, दारू पीने के बैठे में हर चीज दो दो सुनाई देती है पता है। वो आदमी कौन थे? चुप करो, पूछ तो ऐसे रहे हो जैसे सारे गाने वालों को जानते हो। ये वही ना जो मेरे घर के बाजू में रहते हैं। उसके पते के बारे में बता रहा, खुद यह अपना पता नहीं जानता। अपनी गाड़ी मेरे घर के सामने खड़ी रखे, कितना दारू पीता, जा अपने घर जा चल। अरे देख तुझसे चला भी नहीं जा रहा है, चल तू यहीं पे सो जा आज रात ओके, कहीं नशे की हालत में किसी गटर में गिर गया तो रात के लिए तेरे पास काफी है नलायक भूत है। मैं जाके सोता हूँ। जा सो जा। कौन है बाहर, कौन है? ए, मेरे घर में कोई भूत आ गया लगता है, मेरे घर में कोई भूत आ गया लगता है। अरे बाप रे, अरे ये क्या, इन भूतों ने तो
मेरा सारा घर ही बदल दिया लगता है। अभी दिखाता हूँ। तुझे लेके मैं मैटिनी शो में जाऊं, इंटरवल में तुझे ठंडा मैंगो ला पिलाऊं, कभी भी तुमको मैं नाराज ना करूं, जो तुम कहो हमेशा करूं। इतनी जोर से फूंक मारो फिर भी बुझ नहीं रहा है। मैंने मारा और किसने मारा? आय 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 आय। कौन बोला? अंतरात्मा। मेरी अंतरात्मा? लेकिन बोल कहाँ से रही है? अरे मेरी अंतरात्मा भूतनी की आवाज में क्यों बोल रही है? मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, चमेली ने किया। कौन सी लड़की? वो एक ऐसी लड़की है जो मुझे रोज तंग करती है, लेकिन आज मैं बहुत शराब पी कर आया हूँ फिर भी वो मुझे तंग कर रही है। लेकिन मुझे आज उसकी बहुत याद आ रही है। क्या वाकई में उसकी याद आ रही है? बोलो ना। ओ मेरी अंतरात्मा, अपनी अंतरात्मा से बात करके मेरा मन हल्का हो गया, लेकिन ये वजन कैसे बढ़ गया? तुम जो भी कर रहे हो सही कर रहे हो, तुम बिल्कुल मत घबराओ। आज तो तुम मेरे हाथ आए हो। मुर्गी मुर्गी से बोले ना, मुझ प्यार करो इतना। ये सपना है क्या? हाँ ना। हाँ, मुर्गी मुर्गी से बोले ना, मुझ प्यार करो इतना। कड़ाके की ये सर्दी है, मुझ बाहों में भर लो ना। तुम आओ ना आओ ना, पास आओ ना आओ ना। तुम आओ ना आओ ना, पास आओ ना आओ ना। बाल माँ तड़पाती का, मुर्गी से पूछे ना, तुम्हें प्यार करूं मैं कितना। मानो तुम दाना कहीं और ही डालो ना। सच्ची सच्ची मैं बोलूं बातें सच्ची, अलग रह के तुझसे मैं जी पाऊं ना। ले ले मुझको गले से लगा ले, मैं तुझी में समा के ही चैन पाऊं। मुझको समझो ना यूं तुम अनाड़ी, मैं भी हूँ एक शातिर खिलाड़ी। मेरी जानम मुर्गा मुर्गी से बोले ना, मुझे प्यार करो इतना। सच्ची मुच्ची जो तू कहे सच्ची, तेरे कहने पे
मैं क्यों आऊ ना, सच बोलूं भेद दिल के खोलूं, तेरी अदा पे मर गया मद्रासी। अब तो बाहों में मुझको उठा ले, प्यास दिल की तू मेरी बुझा दे। बाहों में आओ ना, सीने से लग जा। बस आओ ना आओ ना, 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 आओ ना सीने से लग जाओ ना, मुझको तुम तड़पाओ ना, मुर्गा मुर्गी से बोले ना, मुझे प्यार करो इतना। अरे वाह क्या बात है, सुबह सुबह आंगन में छिड़काव हो रहा है, क्या बात है, बहुत हंस रही है। वो क्या है कि ना, कल रात को वो ना मेरे यहाँ पर रुके थे, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। तेरे वो जिनसे मैं शादी करने वाली हूँ। सुबह सुबह मेरे घर के सामने ये क्या तमाशा लगा रखा है, जाओ यहाँ से। जरा ठीक से देखो, ये तुम्हारा नहीं मेरा घर है। क्या बात करते, मैं तेरे घर में खड़ा हूँ। अरे ये तो सचमुच तेरा घर है। चमेली मैं तेरे घर में कैसे आ गया? कैसे आ गया? ये मुझसे पूछ रहा है, तू मेरे ही घर आके मुझे बाहर सुला के खुद अंदर जाके सो गया। अब मुझे पता चला दाल में कुछ काला है, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने दामाद समझ के माफ किया। बहुत अच्छे, शादी का मंडप लगाया नहीं और तूने चटाई पहले ही बिछा दी। इस लड़की ने हमें सब कुछ बता दिया। लड़की ने जो ये सब कुछ बता दिया ना, तो अब दिल पे हाथ रखकर बोल के रात को मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारे दिल पे हाथ रखकर सच कह देती हूँ। क्या हो गया? ऐसा वैसा किया, मुझे तो पता ही नहीं। ये क्या चीज है बताओ तो सही। आईने की तरह साफ है ना, बाल भी सेट कर सकता हूँ। सुनो ना, जब रात को तुम मुझसे प्यार कर रहे थे ना, तो ये रह क्या होगा? मेरे दिल के खिलाफ जाकर मैं कोई काम नहीं करता। अब रात भर तो मुझे सोने नहीं दिया, अब सुबह उठ के भी मुझे सताओगे क्या? ओए मेरी अंतरात्मा, ये तूने क्या कर दिया? अच्छा क्या हुआ था रात को बताऊं क्या? रात में मुर्गी मुर्गे से बोली, कड़की सर्दी है बाहों में भर लो। याद आया ना? अरे ये गाना मुझे कहाँ से आ गया? अरे मैं तो गड्ढे में गिर गया, मैं तो फिसल फिसल के गड्ढे में गिर गया। ये क्या है? घंटी है, दिखता नहीं है क्या? चल इधर आ, सीढ़ी पकड़ अच्छी तरह से। ये क्या कर रहे हो घर के बीच में? सुन, माँ जी के लिए घंटी बांध रहा हूँ। अरे पागल, माँ जी इस घंटी की वजह से कोमा से बाहर आएंगी। और हाँ, माँ जी को ठीक करने के लिए किसी नर्स की जरूरत नहीं है, घंटी बजेगी और माँ जी ठीक। अरे रे रे रे, मंदिर में भी घंटी बजाने से आदमी कोमा से बाहर आता है, वही घंटी तुम घर में बांध रहे हो, इससे माँ जी कोमा से बाहर आ जाएगी? मेरी बात मान, माँ जी ठीक हो जाएंगी। कैसे ठीक हो जाएगी? घंटी बजेगी और हमारी माँ जी ठीक हो जाएंगी, नर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसे दूर रखना। अच्छा अच्छा, अगर नर्स सीढ़ी चढ़कर घंटी बजाने लगी और हमारी मैडम फिर से कोमा में चलेगी तो? मेरे सामने उल्टी सीधी बात करेगा तो सर फोड़ दूंगा। अरे पागल, इस घंटी की रस्सी माजी के कमरे में रहेगी और जरूरत पे अगर कोई इसे खींचेगा तो उसकी आवाज यहाँ आएगी। ए, क्या? अरे क्यों तुम मरेले कुत्ते की तरह हंस रहा है? इसलिए कि पहले तो मैं समझता था तुम बुद्धू हो, लेकिन तुम तो माँ बुद्धू हो। खाली बेल बजाने से हम लोग आ सकते हैं, तो इतनी बड़ी रस्सी या घंटी की क्या जरूरत है? हाँ हाँ, लेकिन आज ही मुझे पता चला कि तेरे माँ बाप तेरा पूरा खानदान ही लूजर है। अरे एड़े, बिल्ली चली जाएगी तो इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करेगी? एक डब्बा रखकर डम डम बजाने का। क्या रे, मैं डब्बा बजाने वाला दिखता हूँ? अरे अरे बचा, अरे बचा। ए, इधर क्या लफड़ा चल रहा है? मैं उसे समझा रहा था कि गाड़ी धीरे धीरे चलाया करो, ये कहने लगा कि शुक्र मानो कि साहब बच गए और मुझे मारने लगा। ए गोविंदा, ये जो बोल रहे सच है क्या? सच बता,
क्या मेरी माँ तेरी वजह से कोमा में चल गई? अरे क्या इधर उधर की बातें सुनकर मेरे पेट पे लात मार रहे हो? हाँ, तू सही तरीके से गाड़ी चलाता तो क्या ये एक्सीडेंट होता? अबे कुत्ता तेरे है, तू इसी वक्त घर से बाहर निकल जा। इसी वक्त घर से निकल जा। मैं मालिक से पूछता हूँ। मालिक, मालिक आपके बच्चे मुझे घर से जाने के लिए कह रहे हैं, आप बोले तो मैं घर से चला जाता हूँ। पिताजी से क्या पूछ रहा है? मैंने तो उससे कहा ना इसी वक्त इस घर से निकल जा। ए, नौकर को नौकर की तरह रखना चाहिए, लेकिन हमने तुझे मान सम्मान दिया और तूने हमारे साथी गद्दारी की। चल निकल जा से, चल भाग जा से, दोबारा कंठ मत आना, चल भाग जा, चलो बाहर निकलो, चल भाग जा से, भाग। सब तुम लोग क्या सोचते हो, मैं बाहर जाकर कुछ नहीं कर सकता? चुटकी बजाते काम मिल जाएगा। बढ़ाया ताकत वाला, अब तुम्हें कौन अपनी गाड़ी देगा चलाने को? अरे बैल गाड़ी भी नहीं देगा। चल वो तो ठीक है, पर अगर तू घर से गया तुझे सड़ेला कुत्ता नहीं पूछेगा। चलो जाओ यहाँ से। रुको रुको बच्चो, अरे मैं चले जाऊंगा, लेकिन मेरे जाने से पहले मुझे तुम्हारे पिताजी से कुछ पर्सनल काम है, मैं जरा बात करके आता हूँ। मालिक, गाड़ी की डिक्की में हमेशा उसकी स्टेपनी रहती है, मैंने आपके लिए इतना सब कुछ किया और आपके बच्चे मुझे इस तरह धक्के देके घर से निकाल रहे हैं, मैं तो कहीं भी चले जाऊंगा, लेकिन जाने के बाद अपना मुंह बंद रखूंगा। गाड़ी पलटी हो गई थी या ये भी मैं लोगों को बोल सकता हूँ, और पलटी होने से पहले अंदर क्या हुआ था वो सारी बातें भी मैं इन लोगों को बोल सकता हूँ, मेरा कुछ नहीं है, मैं जा रहा हूँ। गोविंदा, तू कहीं नहीं जाएगा, तू मेरे पीछे आ, चल मेरे साथ चल। पिताजी आप इसे वापस क्यों लेकर आए? पिताजी पिताजी मत चिल्लाओ, गोविंदा को तुम्हारी माँ ने काम पर लगवाया है, अभी सब गोविंदा को घर से बाहर निकालना गलत होगा, समझे? ए बावर्ची इधर आ, देखा ना तूने इस घर में मेरी क्या इज्जत है, अब अभी से मुझे गोविंदा नाम से नहीं बुलाने का। अगर मैं पुकारा तो तेरी मैं वो हालत कर दूंगा कि बाहर जाके भीख मांगेगा, मेरी बात याद रखना, समझा क्या? गोविंदा, फिर तूने गोविंदा बोला, नाम नहीं लेने का, समझा? हाँ, जाके सबके लिए एप्पल जूस ले आ। किसको एप्पल जूस देना है पता है? अरे नहीं नहीं, अरे नहीं। नर्स, सर, जब भी तुम्हें घंटी बजानी हो तो तुम तुरंत बाहर चले जाना। यस सर। गो कमला, 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 तुम सोई हो तो ऐसा लगता है कि जैसे मेरे सर के ऊपर एक भारी सा पत्थर रखा हुआ है। तुम कुछ बोलती नहीं हो और चुपचाप लेटी हुई हो, जब तक मुझे सच्चाई नहीं बताओगी। बोलो कमला, क्या सच्चाई है? दोनों में से कौन लड़का है मेरा? बोलो बोलो, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, बोलो। मैंने पाप किया है, मेरे से पाप हुआ है। ओफो कमला, जब भी तुम देखो तब एक ही बात को रटती रहती हो, मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया। ओफो कमला, फिर कोमा में चली गई तुम? होश भी आता है तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, उसमें भी तुम कुछ नहीं बताती, बस यही कहती रहती हो कि मुझसे पाप हो गया, मुझसे पाप हो गया, उसके बाद कोमा में चली जाती हो। कौन मेरा बेटा है, कौन नहीं है, मैं क्या करूं? इसी चक्कर में मैं कितना परेशान रहता हूं, मैं क्या करूं हे भगवान। पहचान है बही, न तुझको खबर न मुझको खबर। अनजान है कोई, पहचान है वही।
लगता है ये मेरा भ्रम है। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जा मुझे खबर है, बच ना सका कोई। बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, बच के। है तुमने सोचा ये, भगवान ने सोचा ये, और इन दोनों के बीच तू परेशान। तो बोलो मालिक। मैं बहुत परेशान हूँ, ये दोनों मुझे सोते में भी तंग करते हैं और तू मुझसे मजाक कर रहा है। बिल्कुल सही, इन दोनों के बीच में तुम्हारा बेटा कौन सा है? ए, मुझे टेंशन है, तुझे मजाक सूझा? नहीं बिल्कुल नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो आप वहाँ क्या ढूंढने गए हुए थे और ऐसे छुप छुप के क्या देख रहे थे, हर चीज का इंच बाई इंच नाप ले रहे थे? दोनों में से मेरा लड़का कौन है, इसी चक्कर में मैं अंदर गया था। ओ, ऐसा क्या? आप तो मुझे अमेरिका के बहुत बड़े साइंटिस्ट लगते हैं। कुछ भी हो ढूंढना पड़ेगा, इसके लिए दिमाग चलाना पड़ेगा, दिमाग की चक्री से आइडिया निकालना पड़ेगा। आपको अगर आइडिया चाहिए तो 3-4 आइडिया मेरे पास है, मैं आपको दे सकता हूँ, चलिए। कुछ भी हो जल्दी बताना। उसके लिए मूड होना चाहिए। ओके फॉलो मी। फॉलो मी क्या? फॉलो मी का मतलब है यानी मेरे पीछे पीछे आओ। कम ऑन, बैग को घुमाओ। मिस्टर चोपड़ा, तूने मेरा नाम लिया, अच्छा तू अब मुझे नाम से पुकारेगा? तुम्हारा नाम चोपड़ा ही है ना, तुम्हें मैं चोपड़ा नाम से ही बुलाऊंगा, नहीं तो कोई आइडिया नहीं दूंगा। ए, तू मुझे मेरा नाम ले या मुझे भिखारी कहे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे ये पता चलना चाहिए कि मेरा बेटा कौन है, बस तू ये बता। अरे नाम से ही तो बुला रहा हूँ, कोई गाली थोड़ी ना दे रहा हूँ, और वैसे भी तो हम दोनों यहाँ पर अकेले ही हैं, और कोई थोड़ी ना हमारी बात सुन रहा है, चलो चुप से बैठो इधर। ये सब तो ठीक है, पर तेरा आइडिया क्या है ये बता। इधर आओ। आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है। हटे, महंगाई और आइडिया का क्या संबंध है? ये मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। महीने के सिर्फ 800 रुपए पगार देते हो आप, उसमें कितना दिमाग चलेगा, पगार बढ़ाओ। अच्छा तू अपने मालिक के सामने इतनी ऊंची आवाज में बात करेगा? ऊंची आवाज में बात कर रहा हूँ तो क्या गलत कह रहा हूँ? पगार की बात है, पगार की बात है ना, चल अगले महीने 1000 रुपए बढ़ गए। पगार तो ठीक है हाँ। लेकिन मुझे बीच बीच में पैसे चाहिए होंगे, मुझे वो पैसे भी देने पड़ेंगे। डरने की जरूरत नहीं, महीने में 30 दिन होते हैं, मैं 30 दिनों में आपसे पैसे निकालूंगा। पैसे निकालोगे वो कैसे? घर में एक गुल्लक रखो और गुल्लक में पैसे डालो, अगर मैं पहले पहुंच गया तो मेरी और तुम पहुंच गए तो तुम्हारी। बाय द वे टुमारो इवनिंग 5 और 6 के बीच में तुम मुझे टेरिस पे मिलो। ऊपर क्यों? वहां से ढकेलने के लिए क्या? तुम्हें मार दूंगा तो पैसे कहां से लूंगा? अरे आईडिया के लिए बुला रहा हूं। तब तक तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? मुझे अभी नींद आ रही है, तुम जाओ अभी यहां से, जाओ जल्दी करो। तुम लोग जिंदा रहोगे तभी तो मैं भी तुम्हारे बल पे जिंदा रहूंगा। तुम्हारे दोनों के जन्म का राज मैं किसी को भी नहीं बताने वाला। जब तक बुड्ढा परेशान है तब तक मुझे सुख चैन है। ओ सपन चक्रवर्ती हाथ में लेके अगरबत्ती। गोविंदा देखना, जितना पैसा तूने मांगा उतना पैसा मैंने तुझे दिया, लेकिन तूने मुझे अभी तक आइडिया दिया ही नहीं है। क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हो? अरे आइडिया दिमाग में आने तो फिर देता हूँ। कब तक तू सोचेगा आइडिया? ठीक है ये पाना पकड़ो। माँ बापा, किसी को भी चोट लगती है तो वो माँ या बाप में से किसी को पुकारता है, लेकिन तुमने तो एक साथ दोनों को पुकारा। अरे जब मुझे चोट लगती है तो मैं दोनों का नाम लेकर पुकारता हूँ, क्योंकि मैं दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। उनके बारे में अब नहीं सोचने का, मैं कुछ आइडिया निकालता हूँ, तब हाँ। तक तुम 3-4-5 गिनते रहो। हाँ ठीक है मैं गिनती गिनता, लेकिन तू आइडिया तो बोल। आइडिया सोच लिया मैंने, तुम्हें चोट लगी थी, तुमने माँ बाप दोनों को पुकारा था, जो ऐसा करेगा वो तुम्हारा बेटा। अच्छा तूने मेरे पैर पे पानी डाला वैसे ही करने वाला है? ये मत पूछो, बस इंतजार करो और देखो मैं क्या करने वाला हूँ। अरे झिंकच कच क्या कर रहा है? गोविंदा का आइडिया कमाल का होता है, इस आइडिया का फल तुरंत मिलेगा। अब अपने बड़े बेटे को बुलाओ जल्दी। शेखर, शेखर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अरे मैं ही तो हूँ। तू है लेकिन तू नहीं है बापू। अरे तू भी बात को समझ नहीं रहा है। नहीं है नहीं है। अरे मैं ही तो हूँ, मैं कह रहा हूँ नहीं है ना। अच्छा ठीक है तू जाके नहा ले। हाँ जाके नहा ले तू।
जो तूने सोचा था वैसा नहीं हुआ, लेकिन वो बाप के नाम से चिल्ला रहा था। कोई बात नहीं ना, दूसरा आइडिया है ना। क्या फालतू आइडिया दे रहा है, ये तो ग्रीस नहीं है, ऑयल है, इंजन ऑयल, इसका तू क्या करेगा। चलो ना अभी अपना अगला टेस्ट करके देखते हैं। रमेश, रमेश। क्या पिताजी? ये तो अम्मा बोल रहे हैं। ये भी नहीं है। अबे देख क्या रहा है, हाथ तो दे। अरे छोड़, तुझे तो बुलाना ही बेकार हो गया, बात करता है। उठ उठ उठ। अरे मैंने तुझे इसलिए बुलाया कि तूने खाना खाया है कि नहीं। प्यार से बुलाया। हाँ हाँ, जा 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 जा। गिरा दिया। गोविंदा, अगर ये तेरा आइडिया है तो मुझे टेंशन पे टेंशन हो रहा है। बात करते हो, अगर नीचे डालने की बजाय ये ऑयल गाड़ी में डाला तो गाड़ी चलती। हे भगवान, इस गुत्थी को सुलझाने के लिए कोई आ गया। अरे बाप रे बाप। किसी ने जानबूझकर ऑयल गिराया है, मुझे पता है ये गोविंदा ने किया होगा। अरे बाप रे बाप। मालिक, मालकिन जब भी होश में आती है तो कहती है उनके हाथों से एक पाप हो गया है। कुछ बताने से पहले वो कोमा में चली जाती है। अब जब भी उनको होश आए तो आप दोनों लड़कों को उनके पास ले जाइए। हाँ। उनके सर पे हाथ रखवाइए और पूछिए कि आपका बेटा कौन सा है। मालकिन को होश आ गया, आप एक काम कीजिए, आप वहाँ जाकर संभालिए, मैं आपके बेटों को लेके आता हूँ। संभल के नीचे जो गिरा उसकी वजह से आप कोमा में ना आ जाएं। हाँ, ठीक है, ठीक है। कमला, तुम्हें होश आ गया तो तुम मेरी थोड़ी मदद कर सकती हो। अभी दो लड़के आएंगे, उनमें से मेरा बेटा कौन सा है बस तुम बता देना कि मेरा बेटा कौन है। तुम मुंह से कुछ मत बोलना, सिर्फ इशारा करना, मैं समझ जाऊंगा। माँ, 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 होश आ गया। माँ को होश आ गया। माँ, हाँ हाँ, माँ को होश आ गया। गोविंदा, इन्हें माँ का आशीर्वाद लेने के लिए सर से पकड़ के झुकाओ नीचे। दिलवाता हूँ आशीर्वाद। आशीर्वाद देने के लिए यही टाइम था क्या? लगता है माँ फिर कोमा में चल गई, सब इसकी वजह से हुआ। ए गोविंदा, मेरी बीवी ने तेरे सर पे हाथ रखा, इसका क्या मतलब है? अगर मेरी जगह पे आपका सर भी होता उस पर भी हाथ रख देती। कमाल के इंसान हो आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। बाप रे बाप। एक कंपटीशन, अमित जी से गाना गवाओ, टेंशन सब दूर करेगा। Who is the flagship here? Ask the question, ठाके कसम मैं कहता हूँ, टेंशन खत्म कर देगा एक दिन ये गोविंदा। ये या वो मालूम नहीं, वो या ये पता नहीं, कौन गलत है कौन सही है रे, बाप को ये मालूम नहीं है रे, अपना पराया ना ये समझे रे, दोनों में से कौन है बेटा ये तो रब ही जाने रे। ये आओ मालूम नहीं, हो या ये पता नहीं। यारो सुन लो जरा अपुन का ये कहना, पर जीना हो तो अपुन के जैसे ही जीना, अपुन के जैसे भांजे ही। भांजे, कौन है तू, यहाँ सीधे अंदर कैसे चला आया? पहचाना नहीं मुझे क्या? मैं हूँ तुम्हारा मामा, मामा, मामा। ओए मान न मान, मैं तेरा मेहमान, सीधा मेरे पे हाथ डाल रहा है तू? ए मुझे पहचाना नहीं? अरे गाँव में जो धोबी है ना, मैं उसका लड़का हूँ। अच्छा, वो घसेटू, तो तू उसका लड़का है क्या? हाँ, मैं उसका लड़का हूँ। अच्छा, अब मुझे याद आया। क्या? बचपन में स्कूल जाते हुए एक दूसरे के हम बहुत खिंचाई किया करते थे, उसमें एक था बिंदु, दूसरा था प्रमोद और तीसरे का नाम चंपी। बिल्कुल,
और वो मैं हूँ। वो तू है, मैंने तो पहचाना ही नहीं। बचपन में तो बिना कपड़ों के घूमा करता था, अब तो इतने सारे कपड़े पहन लिए, कितना अच्छा लग रहा है तू। अच्छा लग रहा हूँ ना? अरे कमाल का लग रहा है। सॉरी यार, जरा रख देता हूँ उधर। अरे तुझे देखे बहुत दिन हो गए। वो क्या है कि ना, मैंने शादी कर ली और 7 साल में 7 बच्चे भी हो गए। 7 साल में 7 बच्चे? हाँ 7 बच्चे। अरे मैंने तो पॉपुलेशन बढ़ाने का डिपार्टमेंट ले रखा है। आहा, परिवार नियोजन के ऑफिस से आए हैं क्या? अरे ये लोग बहुत पुण्य का काम करते हैं, तुमसे मिलवाता हूँ, चलो आओ। आ जाओ आ जाओ। नमस्ते। नमस्कार साहब। नमस्ते। आप तो बिल्कुल सही समय पे हो जी। हम तो सही समय पे आ गए, लेकिन तुमने आदमी नहीं भेजे। क्या करूँ साहब, जब तक आप लोगों को फैमिली प्लानिंग के बारे में बताएंगे नहीं, तब तक लोग आएंगे कैसे, बोलिए। आज की तारीख में आप आने वाले थे, मैंने सबको बताया था, लेकिन पता नहीं कोई दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। ऐसा बोलेगा तो थोड़ी चलेगा, ऐसा बोलेगा तो अपने लोगों का अपमान होगा। अच्छा तो पहले तू करवा ले। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं। क्यों? मैं पहले दो बार पैसे लेकर कर चुका और पी भी चुका। फिर अब क्या करें साहब, अब तक तो मेरी शादी भी नहीं हुई, वरना मैं ही आ जाता। हाँ, कर लो ना। मजबूरी तो है। साहब जी, मैं तो कहता हूँ इसे ले जाओ आप। तू चुप कर रहे। साहब जी मैं बताता हूँ, 7 साल में इसने 7 बच्चे तो पैदा कर लिए, अब ये 8वीं की तैयारी भी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ साहब इसे ले जाओ आप। क्यों मना कर रहा है? तुम्हारे भले की बात है, चले जाओ। मैं कहता हूँ मैं तेरे बाप जैसा हूँ, ये बहुत अच्छी बात है, तू जा इन लोगों के साथ। ठीक से समझाओ इसे। अरे बाप रे, ऑपरेशन का नाम सुनते मुझे डर लगता है। अरे क्या औरतों की तरह डर रहा है, बाहर ऑफिसर्स खड़े, जाके ऑपरेशन करवा ले अपना, चल। चाकू छुरी, मुझे बहुत डर लगता है इन सब चीजों से। अरे यार मर्दों की तरह मूछ रखी है और औरतों की तरह डर रहा है, क्यों डर रहा है तू? चल 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 चल। नहीं छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे बाप रे, ऑपरेशन के तो मुफ्त में करवा रहा है, 10 किलो चावल दे रहे और साथ में 1000 रुपया वाले चावल लेके घर जाके बिरयानी बना के खा लेना। चल 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 चल। मुझे नहीं करवानी, छोड़ो मुझे। अरे ये क्या, लड़का होकर लड़की की बॉडी पहन के घूमता है तू? ये मेरी औरत की बॉडी है। ये तेरे औरत की बॉडी है? तो फिर ये बॉडी किसकी है? क्यों रे, लड़की होकर लड़के के भेस में घूमती है तू? तुम तो मुझे मिलते नहीं हो, इसलिए तुम नाटक करती हूँ। वो सब मैं नहीं जानता, मैंने ऑफिसरों से वादा कर रखा है तेरा ऑपरेशन तब होके रहेगा। चल तुम कुछ भी करके उनको भगा दो ना प्लीज। अरे बाहर भेजो इसको जल्दी। लड़के ने 1000 रुपए और 10 किलो चावल पहले से ही ले रखे हैं और इसका ऑपरेशन भी हो चुका है, आप कहीं जाकर किसी और को ढूंढिए सर। ओके ठीक है। सुनो ना, कल जब हमारी शादी होगी ना, तो हम दो हमारे तो होने चाहिए ना। अरे तू ही तो बोलती है कि सब भगवान के हाथ में, एक काम कर तू यहाँ से निकल ले, सब भगवान देख लेंगे, चल तू निकल। ओ क्या भयंकर बॉडी है इसकी, ये तो 4 लड़कों को भी भारी है। ये कौन है, हमारे घर में आकर बड़े स्टाइल से बैठ रहा है? चलो चल के पूछते हैं। साहब आप कहां से आए हैं, क्या चाहिए, आप कौन हैं? क्या पूछा तुमने? आप कौन हैं? एक काम कर फिर से पूछ। सुनाई नहीं देता क्या, बहरे हो क्या? तेरी इतनी हिम्मत, घर में आने वाले आदमी से पूछता है कि कौन है तू? घर में आने वाले आदमी से पूछा, रोड पे जाने वाला आदमी थोड़ा ना पूछा। अब मुझसे कौन है करके पूछेगा तो मैं तुझे दोबारा लाफा मारूंगा। मैं अपने लड़के को देखने आया हूँ, वो कैसा है? क्या तुम्हारा लड़का, और इस घर में? हाँ इस घर में। रमेश और शेखर सेठ जी के 2 लड़के, जोशी के लड़के को तो हाथी ने दबाकर मार दिया, और मेरा बाप तो बचपन में ही मर गया, फिर बच्चा कौन? बच्चा कौन? ड्राइवर। अरे हाँ, इसकी शक्ल और उसकी शक्ल बिल्कुल मिलती है, जैसे वो मारता है वैसे ही ये मार रहा है। जरूर वो इसका लड़का है। हाँ तुम्हारा लड़का है, उसको मैं ही खाना खिलाकर पालता हूँ। ठहरो अभी बुलाता हूँ। ठीक है जल्दी बुला। ड्राइवर ड्राइवर इधर आ जाए। ए क्यों बुलाया रे, आदमी को ठीक से काम नहीं करने देगा? सब काम धाम छोड़कर नीचे चलो, कोई तुमसे मिलने आया है। कौन है? तुम्हारा बाप। है? मेरा बाप? हाँ। कहाँ है? उधर देखो। थप्पड़ क्यों मारा? तुझे कितनी बार बोला, मेरा बाप बिजली के खंभे की तार पकड़ के उसके करंट से झटके खा के कब का मर चुका है, और इस दुनिया में मैं बिल्कुल अकेला हूँ, और तू अरे गहरे जंगली दिखने वाले को मेरा बाप बोलेगा? तुम्हारा बाप नहीं है, फिर ये कौन है जो घर में आकर झमेला कर रहा है, लफड़ा कर रहा है? तुम एक काम करो, उससे पूछो वो कौन है, क्या ये काम कर सकोगे तुम? अच्छा ये कौन सा बड़ा काम है, मैं भी पूछता हूँ उससे। कौन हो तुम? फिर से पूछ। हाँ पूछो पूछो। कौन हो तुम? अरे ये क्या, तुम्हें पूछा तुम कौन हो, इसलिए मार क्यों रहे हो? अरे तुम्हें ही मारना आता है क्या?
ए गोविंदा, कौन है, क्यों चिल्ला रहा है तू? क्या है, कौन है? ये मैकेनिक है? तुम खुद ही पूछ लो। कौन है तुम? अरे बाप रे, उसको थप्पड़ क्यों मारा तुमने? सवाल करता है? ये हमारे मालिक हैं। अच्छा, तो तू है यहाँ का बॉस। मेरे लड़के को बुलाओ। क्या, तुम्हारा लड़का? हाँ, मेरा लड़का पिछले 22 सालों से इसी घर की छत के नीचे रह रहा है। मालिक, ये जब से आया तब से यही बात कर रहे हैं। देख, तू एक काम कर, जाकर जाकर सोडा लेकर आ जा। कौन सा सोडा लेकर आऊं? जा जा, कौन सा वाला लेके आऊं? जाके वाइट वाला ला। अच्छा अच्छा, लाता हूं। ठंडा वाला? हाँ हाँ। बच्चा पैदा हुआ तो मुझे दिखाया तक नहीं, और वो मूर्ख औरत यहाँ उठा लाई। इतने दिनों से बास आ रही थी, अब चारों ओर बदबू फैल गई। ए सुन, तू इतना बड़ा आदमी है क्या? दूसरे के बच्चों का पालन पोषण करता है क्या? तू इतना बड़ा रईस है? दूसरे का बच्चा, ये बात तो अभी मालूम हुई है। हमारे मालिक अभी तक फैसला नहीं कर पाए वो नदी में कूदे या कुएं में, क्योंकि दोनों तरफ पानी नहीं है। मैं कुछ नहीं जानता, मेरे बेटे को बुलाओ, मैं लेकर जाऊंगा उसे। देखिए, आपके बेटे की कोई निशानी हो तो बुला बुला चिल्ला रहे हैं, तो कैसे मुझे मालूम है बेटे की निशानी? तू उसे बुला। आइए। देखिए, दोनों लड़के घर पे नहीं है, घर से बाहर गए हैं। आप एक काम करो कि फोटो देखकर ये बताओ कि आपका लड़का इनमें कौन है। अरे बेटा, तू कैसा है? मैं तुझसे मिलने आया हूँ, आ जा। अरे बेटा, तू कैसा है? देखते हैं, बाप तुझसे मिलने आया है। आ जा बेटा, आ जा मेरे पास, आ जा। ये क्या कर रहा है? दोनों तस्वीरों को देखकर रो रहा है। मालिक, आपकी जिंदगी में तो थू है, दोनों ही लड़के आपके नहीं है क्या? ए मंगल सिंह, इधर आ। क्यों खामखा मेरा दिमाग खराब कर रहा है? इन दोनों फोटो में तेरा बेटा कौन सा है ये बता तू। ये लो सोडा। ये क्या, मैं तुम लोगों को पागल दिखता हूँ क्या? सोडे में जहर मिलाकर मुझे मारना चाहते हो क्या? क्या यार, तू सच्चाई भी नहीं बता पा रहा है सबको। तू यही समझाता है कि सब तुझे मारना चाहते हैं, ऐसा क्यों? किसको काटू, किसको काटू? तुम लोग कौन और क्या कर रहे हो? ये पागल है, मैं इसका 10 साल से इलाज कर रहा हूँ। ये हमारे हॉस्पिटल में था, मैं इसका डॉक्टर हूँ, कई साल से मैं इसका इलाज कर रहा हूँ। ये पागल है, इसीलिए तुम ऐसे दिखते हो। ये क्या कह रहे हैं आप? सॉरी सर। ये कहीं भी घुस जाता है, कहता मेरा लड़का यहाँ है, मेरा बेटा यहाँ, ऐसा चिल्लाता है, हमेशा ऐसा ही करता रहता है ये पागल। जब भी बाहर भागता है मेरी पैंट पहन कर आता है। सुनो, रोड पर ऐसे बिना पैंट पहने हुए घूमोगे तो रोड पर जो कुत्ते घूमते हैं वो तो तुम्हें काट ही लेंगे ना। चलो इसको लेके चलो। ए पागल, सुन तू इधर आ। क्यों, मुझे क्यों बुलाया? अरे चुप। अबे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू हमारे घर में आकर हमें लाफा मारता है? अब जा, जाते जाते तेरा पागलपन ठीक हो जाएगा। क्या? मैं अपनी चिकन मुगलाई की दुकान में खड़ा रहकर धंधा कर रहा हूँ। लो पान ले लो। पान दिया ना, अब जाओ चलो। वो क्या है कि ना, मुझे तुमसे बात करनी थी, तुमसे एक आइडिया लेनी थी मुझे काम के बारे में। अभी मैं अपना धंधा संभाल रहा हूँ, इस वक्त मैं तुम्हें कोई आइडिया नहीं दे सकता, तुम अभी यहाँ से चले जाओ। चलो उस्ताद, बरसात हो रही है, धंधा डाउन है, एक भी ग्राहक नहीं आ रहा है, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूँ। ठीक है, बोलो कौन सा आइडिया चाहिए। वो क्या है ना कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन दोनों को मिलवाना चाहती हूँ, इसलिए आइडिया चाहिए। उस्ताद, काट दूं क्या? काट दो। क्या कहा? अरे मटन काटने को बोला। अरे उसे करने दो ना। क्या हुआ, तुम आइडिया तो बताओ। अरे गुरु, चिकन चिकन मांग रहा है, दे दूं क्या? चिकन मांग रहा है तो मटन देगा क्या? चल दे दे। अरे छोड़ दे उसको, तुम बात तो सुनो। बोल मैं क्या करूँ। हाँ, लड़का अमीर है और लड़की गरीब है, अब दोनों को मिलवाना कैसे ये तो बताओ। मैं तो उन दोनों को मिला देता, बड़े बड़े लोग यही कहते हैं कि दो प्यार करने वालों को मिलाकर उनकी शादी कर देनी चाहिए। अच्छा, तो फिर जल्दी से करो ना, दोनों की जल्दी से शादी करवा दो। अरे एक आइडिया मांगो, 10 आइडिया दे सकता हूँ मैं। चलो शादी करा लो मंदिर में, या फिर चले जाओ कोर्ट में। बिल्कुल सही।
चल तुम निकल यहाँ से ऑटो में। लेकिन मंगलसूत्र कहाँ बांधेंगे? अरे बाबा, अगर शादी करवानी है तो मंगलसूत्र बनवाना पड़ेगा कि नहीं? प्रॉब्लम तो वही है, लेकिन वो लोग बांधेंगे कहाँ मंगलसूत्र? देखो, घर में लोग मना करेंगे। हाँ। और मंदिर में पुजारी हमेशा लेट आता है। 24 आवर्स ओपन रहने वाली जगह है पुलिस स्टेशन। वहीं ले जाकर शादी करवा दो उन दोनों की। लड़के के नाम से यहाँ टीका लगवा लो और लड़की के नाम से यहाँ पे टीका लगवा लो, हो गया काम। जिस दिन पुलिस स्टेशन बंद हो उस दिन सुहागरात मना लो। अबे ओए, तेरी अकल तेरे पास ही रख, चल। वाह, क्या कमाल का आइडिया है तुम्हारा भी जवाब नहीं। क्या क्या आइडिया निकालते हो तुम। दो दिलों को मिलाने का इतना अच्छा काम तो करने जा रही है, तो मैंने सोचा मैं भी तेरे को दो आइडिया दे दूं। वैसे कभी चिकन मटन खाने का मन करे तो यहाँ से जरूर ले जाइयो। अब जा। बाहर बारिश हो रही है, अगर मैं बाहर जाऊंगी मैं भीग जाऊंगी तो वो टपोरी लड़के ना मुझे देख के ना सीटी बजाएंगे। ऐसा करो ना, तुम मेरे साथ चलो ना, मुझे छोड़ कर आओ। अरे अरे अरे, इस लड़की को तो देखो कितनी नौटंकी कर रही है। आते वक्त तुम्हारे हाथ में ये छाता था, मैंने देख लिया था। चलो अब ये छाता उठाओ और बाहर निकलो। चलो उस्ताद, मटन जरा कम पड़ रहा है, इसको लटका दूं क्या? बहुत अच्छा मुहूर्त है, तुम इसी समय मंगलसूत्र कन्या को बांधो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते ओम। अरे अरे, अब रहने भी दो, मेरा आशीर्वाद तो तुम दोनों के साथ है ही। तुमने ही हिम्मत दी इसलिए ये शादी हो पाई। तुम दोनों की शादी हुई, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। रमेश, इसका ख्याल रखना, अपनी पत्नी का ख्याल रखना हर पति का फर्ज होता है रमेश। रानी, तुम भी रमेश का ख्याल रखना। ससुराल में जाने के बाद ससुराल वालों का ख्याल रखना, ठीक है? गोविंदा, 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 गोविंदा। पिताजी, रानी है, प्रणाम करो ना। नमस्ते। पिताजी, आप ऐसे क्या देख रहे हैं? घर में दिया जलाइए ना। क्यों और किस लिए दिया जलाएं? इससे पहले क्या हमेशा घर में अंधेरा रहता था क्या? ए, तुम चुप रहो, ये लड़की कौन है, इसकी जात पात क्या है, और तेरी इतनी हिम्मत किसके साथ शादी करके मेरे सामने खड़ा है तू? पिताजी, हमारे बाजू में जो झोपड़पट्टी है। ओहो, लोकल मामला है इसका। चुप रहना, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तूने कुछ नहीं किया, ऐसे ही हो गया। चुप कर। पिताजी, अगर मैं आपसे परमिशन लेने आता तो आप परमिशन देते नहीं। अच्छा, टक गया। और आजकल तुझे मेरी इज्जत का ख्याल नहीं आया, इतना घटिया काम किया तूने। पिताजी, अब कुछ नहीं हो सकता, आप चाहे लाख कोशिश कीजिए, ये मेरी पत्नी है, अब मेरी पूरी जिंदगी इसी के साथ गुजरेगी। रमेश बेटा, तू मेरे साथ इधर आ जाना। हाँ। पिताजी, रानी। हाँ ठीक है ठीक है, उसको मैं देख लूंगा, तू अंदर तो चल। पिताजी, पिताजी, ये सब क्या हो रहा है, दरवाजा क्यों बंद कर दिया आपने? गोविंदा, पिताजी, इसमें बड़ा सा ताला लाकर लगा दे। हाँ, अभी लेके आता हूँ। प्लीज आप दरवाजा खोल दीजिए। कुछ नहीं हो सकता, तू जिस दरवाजे से अंदर आई उसी दरवाजे से बाहर निकल जा। प्लीज ससुर जी, प्लीज ससुर जी। ससुर जी? कौन ससुर जी? तू इज्जत से बाहर जाएगी या धक्के देकर बाहर निकालू तुझे? पिताजी। रमेश। रानी, तुम जाओ मत। रानी, तुम जाओ मत। तू जा यहाँ से। पिताजी, रानी। किससे पूछ कर तूने मेरे बहन की शादी करवाई? क्या उसका भाई मर गया था? जानती हो, जब से हमारे माँ बाप गुजरे हैं, मैंने इसको माँ बाप का प्यार देके पाला है। इसको बड़ा करने के लिए मैं किन हालातों से गुजरा हूँ ये सिर्फ मैं जानता हूँ। ये तुम्हारी हमारी शादी नहीं है। आधट, मेरे गोल गोल घूमती रहे हो, तुमने ये गोल दिखाया, तुम होती कौन हो ये शादी करवाने वाली? हा? मुझे पता था तुम ऐसे ही बोलने वाले हो, अब दोनों आपस में प्यार करते थे इसलिए मैंने दोनों की शादी करा दी है। बढ़िया ही शादी करवाने वाली। देखो, इसको भी ये बात पसंद है। प्यार किया या नहीं किया वो सब छोड़ दो, मेरी बहन की शादी होगी तभी मेरी शादी होगी, यही सोचकर तुमने दोनों की शादी करवा दी ना। हे भगवान, मेरे बदन में खून जोर से दौड़ लगा रहा है, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, और मैं क्या करूँ, कहाँ गया मेरा 420 पान? ये देखो, मैं लेकर आई हूँ तुम्हारा वाला। अच्छा, लाई हो? मेरा वाला ही है ना। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी ही चाल थी, पहले उन दोनों को मिलवाना, फिर उन दोनों की शादी करवा देना। मान भी जाओ ना। hey, हट। ये सब बड़े लोगों की चाल होती है, अमीर और गरीब में कभी रिश्ता नहीं हो सकता, फिर भी तुमने मेरी बहन को उससे मिलवाया है? तुमने ही तो कहा कि प्यार करने वाले को मिला दो। hey, मैंने कब कहा? भूल गए हो क्या? मैंने कहा? हाँ, तुमने ही तो कहा था, तुमने ही तो आइडिया दिया था कि कैसे उन दोनों की शादी करानी है। hey, कैसी मोटी बुद्धि की लड़की हो, वो सब बाहर वालों के लिए था, घर वालों के लिए नहीं। बड़ी आई लोगों की शादी करवाने वाली। नहीं, टेंशन मत लो। और पानी खाओगे? अच्छा, मेरी बात सुन, तुमने मेरी बहन की शादी तो करवा दी, वो लड़का अपने माँ बाप के बात कितनी मानता है? अगर उनकी बात सुनकर मेरी बहन को घर से निकाल दिया तो मैं क्या करूँगा? ऐसे कैसे निकाल देंगे,
तुम उसके भाई जो हो संभालने के लिए। अरे मुझे छोड़ दे, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे। अरे मेरी माँ मुझे छोड़ दे, मैं कहता हूँ मुझे छोड़ दे। लगे रहो भगवान, मैंने जैसा चाहा था वैसा ही पति से दिया। अब भगवान से मिलकर तुम भी यही काम कर रहे हो? अपनी लड़की को नहीं समझा सकते तुम? क्या किया मेरी लड़की ने? तेरी बेटी ने मेरी बहन की शादी एक पैसे वाले लड़के से करवा दी है, पता है? अरे अच्छे घर में शादी करवाई है ना, मेरे मुंह से हमेशा अच्छा ही निकलता है, तेरी बहन हमेशा खुश रहेगी। मैं लूट गई भैया, मैं बर्बाद हो गई। अरे मनहूस नास पीटे, क्या है तेरी जबान में? सरस्वती बेटी है। दारू पी के गट्टा में गिरने वाले तेरे जबान में सरस्वती होगी? बोल बहना क्या हुआ? भैया मेरी शादी को ससुर जी मान ही नहीं रहे और मुझे वहाँ से भगा दिया। तुम्हें भगा दिया? इसे भगा दिया? तू चुप कर, ये सब तेरी वजह से हुआ है, तेरी करतूत है ये। तो मैंने क्या किया? किसी ने तो कहा था कि अगर इसकी शादी नहीं होगी तो ये आत्महत्या कर लेगी, तो मैंने गलत क्या किया इनकी शादी करवा के? तूने प्यार किया, तुझे उसी से शादी करनी थी, मेरी बेटी ने तेरी शादी करवा दी, अब अगर तुझे रोना है तो किसी कोने में रो। अच्छा क्या मर तू? हे, कोई मेरी बहन से ऐसी बात करेगा तो मैं उसके दांत तोड़ दूंगा। कहां है मेरी बहना? अरे तू यहां पे? बहना तू बिल्कुल चिंता मत कर, तेरा भाई जब तक जिंदा है तेरे पर कोई आंच नहीं आने देगा। मेरी बहन ने शादी की तो तुम्हारा क्या गया? ऐसा कहां लिखा है किसी बड़े घर में प्यार करना और शादी करना, क्या ये गलत है? ऐसा किसी किताब में लिखा है क्या? बताइए मुझे, बताओ। अरे ए बेकार, तू क्यों बीच में प्रांगण आ रहा है? क्या किया है? रामायण में लिखा है कि प्यार करना गुनाह नहीं है। प्यार तो अब भी चलता है, प्यार तो तब भी चलता था। ऊपर मत देख, रामायण के जमाने से प्यार चलता आ रहा है, पुराने जमाने से लोग प्यार करते चले आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। ऐसी दुख की घड़ी में तुम लोगों को मेरी बहन का हौसला बढ़ाना चाहिए और तुम दोनों उसे किसी कोने में जाकर रोने के लिए कह रहे हो? तू तो बेवड़ा है ही, तेरी बेटी आकर मुझ पर खामखा चिल्लाते रहती है, कैसे बाप हो तू? शादी करके तो उस घर में चली गई, लेकिन क्या तूने बताया कि तू किसकी बहन है? यही तो गलती हो गई। बहन तू चिंता मत कर, तुझे तेरा घर मिलेगा, मैं तुझे तेरा घर वापस दिला के रहूंगा, यही मेरा सबसे बड़ा काम है। देखता हूँ मेरे इस काम के बीच में कौन आता है। कितना बड़ा घर है ना। अरे चमेली अपनी जबान को जरा लगाम दे। हाँ? मैंने कहा बड़बड़ मत कर, घर बड़ा होने से क्या होता है, घर के लोग अच्छे होने चाहिए। अरे बहना तू कहाँ चली? रमेश, रानी, रमेश तुम फिक्र मत करो, मेरा भाई आ गया है, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम फिक्र बिल्कुल मत करो, हम दोनों को मिला देगा। अच्छा ये तुम्हारे भाई हैं, इनको तो देखकर ही डर लगता है। मैंने रानी के लिए इस लड़के को पसंद किया था, कैसा है? देखने में तो अच्छा है, लेकिन आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लग रही है। चल अब तो बाहर आ जा। नहीं आ सकता, बाहर से ताला लगा है। तू मेमना है जो तेरे को अंदर बंद करके रखा है? इतना हट्टा कट्टा आदमी है, एक लात से ताला नहीं तोड़ सकता? देख देख मैं कैसे ताला तोड़ता हूँ। थैंक यू रानी। अपने भाई के सामने गले मिल रही है? अरे पहले भाई के पैर तो छुओ, क्या कर रही हो गले मिल रहे हो? अरे अरे पैर मत छुओ। तुम दोनों के मन में मेरे लिए प्यार देख के मैं खुश हो गया। इधर इधर मेरी बहन की आंखों में एक बार भी आंसू आया ना? मैं कभी आंसू नहीं आने दूंगा। ये लो, इतनी सी बात बोलने के लिए इतना टाइम ले रहा है, ये क्या करेगा आगे जाके? मैंने इसे सब कुछ सिखा दिया, आगे चलकर स्ट्रांग बनेगा ये। अच्छा ये बात है। अच्छा सुन, मैंने सोचा था कि सुहाग रात होने से पहले ही मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगा। जब तक तेरे बाप से हमारी सेटलमेंट नहीं हो जाती तब तक तो ऐसा कुछ नहीं करेगा। अरे क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो, जल्दी से सेटलमेंट करो ना। करेक्ट, जा तेरे बाप को बुला के ला। क्या कह रहे हैं? पिताजी को बुलाऊं? तेरे बाप से बातचीत करनी है रे। पिताजी। अरे इतनी धीरे से कुत्ते के बच्चे को बुला रहा है क्या? आवाज लगानी है तो मर्द की तरह जोरदार आवाज लगा। ये देख जरा अपना पान निकाल दो। अब देख टॉयलेट इधर है। सब सुना है ना, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या मैं इधर बाथरूम करने के लिए आया हूँ? ये तेरा बाप का दूसरा नाम है। चोपड़ा टॉयलेट से बाहर आ। अरे बहुत अच्छे पौधे, मैं इधर नहीं ठूक सकता। ये यहाँ पर क्यों आया है? यहाँ पर थूकने के लिए आया होगा। ये घर कोई कचरे का डब्बा है जो कोई भी आके थूकेगा? मालिक मुझे लगता है उस लड़की को आपने बाहर निकाला था ना, ये आपको मारने के लिए वो गुंडे को लेके आई है, ये आपकी तरफ बढ़ रहा है, मुझे लगता है ये आपके साथ कुछ करेगा। ओए, मैं अपनी बहन के साथ गुंडा बनकर किसी को मारने आऊंगा क्या? अच्छा तो ये तेरी बहन है, है? मेरी सगी बहन है और बचपन से मेरी बहन है। तुमने मेरी बहन को घर से निकाल दिया तो रोते रोते मेरी आंखों से आंसू निकलकर मेरे पैर तक के भीग गए, समझ गए तुम? जिंदगी में इतना कभी नहीं रोया हूं मैं। अच्छा तो ये कहानी चल रही है तेरी, मेरे बेटे को अपने बहन के प्यार में फंसा कर मेरी सारी जायदाद हड़पना चाहता है तू? अरे किसको पड़ी है तुम्हारी जायदाद हड़पने की? ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे इसलिए मैंने इनकी शादी करवाई, यहाँ तक कि इसको भी नहीं मालूम। चुप,
तू बीच में क्यों बोल रही है? तू इनका ड्राइवर है ना, तो तेरे को बीच में बोलने की किसने इजाजत दी? ये बोल सकती है। अगर तू बोल सकता है तो मेरा ड्राइवर भी, चमेली भी बोल सकती है। मेरी बहन की शादी हो गई, वो आपके घर में गृह प्रवेश करने आई, लेकिन आपने उसको घर से निकाल दिया। अभी तक उसकी सुहाग रात भी नहीं हुई, देखो मेरी बहन की शक्ल कैसे मायूस हो गई है। दो प्यार करने वालों की शादी हो गई और शादी के बाद तुम उसको मिलने नहीं दे रहे हो। दो प्यार करने वालों को अगर तुमने मिलने नहीं दिया तो तुमको पाप लगेगा। तुमको पता है ऐसा कुछ काजी विद्वान लोगों ने कहा है। अब बताइए टॉयलेट, इसका क्या जवाब है आपके पास? मेरे बेटे ने गलती की और मेरी समाज में पूरी इज्जत उतर गई, लेकिन एक गरीब घर की लड़की मेरे घर की बहू कभी भी नहीं बन सकती, समझे तुम? ये तुम सोचना भी मत, क्योंकि टॉयलेट तुम इसके बाद बहुत पछताओगे। ये तुझे किसने कहा? ये मुझे मेरे जिंजर वाले बाबा ने कहा है। मेरी बहन पैसे वाली नहीं है, इसलिए तुम उसको घर में नहीं ले रहे हो ना। अगर वो पैसे वाली होती तो तुम उसे घर में रहने देते ना। तो अपने आप को बहुत पैसे वाला कहता है ना, तो क्यों अपने लड़के को गली मोहल्ले में भटकने देता? इस बात का जवाब दे। देख रहा है तू? देख। अरे ये लल्लू क्या देखेगा? तेरी वजह से मुझे गालियां सुननी पड़ रही है। ये मेरा बड़ा लड़का मेरे कहने पर ही शादी करना चाहता है, ये मेरा बेटा है कि तू? बता। ए, अब क्यों चिल्ला रहा है? तेरे बेटे की तो शादी हो गई ना, अब बता तू मेरी बहन को घर में ले रहा है या नहीं? ये इतनी जोर जोर से चिल्ला रहा हो, तुम लोग मेरा मुंह देख रहे हो? जाओ इसको भगाओ यहाँ से, भगाओ। अरे बॉक्सिंग नहीं, कराटे फाइटिंग का। अरे ये क्या कर रहा है? अरे ये क्या कर रहा है? अरे ऐसे क्या बोल रहा है? करती ये क्या कर रहा है? अरे क्या कर रहे हो? ये है कंपोस्टर। वो कुछ भी उठपटांग हरकतें कर रहा है, लेकिन तुम यहाँ भाग कर क्यों आए? आप देख नहीं रहे क्या? हम लोगों ने छोटी सी झोपड़ी बनाई थी, इसने तो बहुत बड़ी बिल्डिंग बना दी है। अब इससे कौन लड़ेगा? इसको नहीं मार सकते, किसी और को मारना है तो बोलिए, हम मारेंगे। अब किसे मारना ये भी मैं तुझे बताऊंगा। ये क्या, घर से तो निकले थे ये कहकर कि इनको सबक सिखाऊंगा, यहाँ आके क्या कर रहे हो तुम? अब बंदे जैसी हरकतें छोड़ो, जल्दी फैसला करो। हाँ मैं ये कह के घर से निकला तो था, लेकिन ये मामला सुलझाने के लिए थोड़ा सेंटिमेंटल होना जरूरी है। भैया सोच ले, तेरे को बाप से ज्यादा प्यार है या मेरी बहन से ज्यादा प्यार है? ए छी, तेरे को आगे आने के लिए किसने बोला? तेरे को अगर तेरे बाप से ज्यादा प्यार है तो इसी घर में बैठ के तू रो, समझ गया तू? और अगर तुझे रानी चाहिए तो तेरे को मेरे घर पे आके रोना पड़ेगा। जल्दी से बोल, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, तुझे दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तू सोच ले, तब तक मैं 320 पान खा लेता हूँ। चल ए चमेली इधर आ, मेरा पान दे, चल जल्दी निकाल, बैठ बैठ जा। पिताजी अब मैं रानी के साथ जाने का डिसाइड किया है। गाड़ी बंगला घर जमीन जायदाद रुपया पैसा क्या क्या देना है अभी मुझे बताओ, जो भी देना है अभी बताओ। आई वॉन्ट इमीडिएट सेटलमेंट। या ये हुई ना बात? या मालिक, अगर रमेश आपको छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया तो ये 100% तय है कि ये आपका खून नहीं हो सकता, और इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि इन दोनों में से शेखर ही आपका असली खून है। समधी जी। नमस्ते समधी जी। ये तो शक्ल से कोई गुंडा लग रहा है। क्या तुम इसको जानते हो? कौन है ये? जानता हूँ। अरे ये तो बहुत जहरीला नाग है, इसको तो गली के बच्चे भी जानते हैं। इसका नाम है नागराज, वो एक नंबर का क्रिमिनल पार्टी है, लेकिन वो यहाँ क्यों आया इसके बारे में पता नहीं है। हम चुपचाप बैठे रहेंगे। संबंधी जी। किसका संबंधी? कैसा संबंधी? कौन है तू? समधी जी हम आराम से बैठ कर बात करें। बैठ के बात करनी है, खड़े रह के हम बाद में देखेंगे। तू नहीं समधी क्यों का? या तो मैंने इनको बेटी दी होगी या इनसे बेटी ली होगी। तूने लड़की दी या ली? मैंने अपनी बेटी दी, पद्मा। ये है मेरी बेटी, आपके घर की बहू। ये है आपका पोता और मेरा नाती। पापा। ए शेखर, क्या है ये? चुप कीजिए, मेरे पापा से ऐसे बात मत कीजिए। रतन चुप बैठ। अरे ये क्या, मालिक आपको बहू ने आते ही आपके नाम से पुकारना चालू कर दिया है, ये तो गड़बड़ है। नहीं नहीं नहीं, आपको नाम लेके नहीं बुलाया, मेरी बेटी ने अपने बेटे को बुलाया, इसका नाम भी रतन है। ये तो पूरा 420 खानदान लग रहा है। बराबर कहा तुमने। ए शेखर, एक बेटा शादी करके आया, सासे से मैं अभी तक उभर नहीं पाया,
और तूने शादी भी की और एक बच्चे को जन्म भी दिया और मेरे सामने आकर खड़ा भी रह गया, तेरी इतनी हिम्मत है? संबंधी जी, आपका बेटा आपको बताने ही वाला था, लेकिन आज बताऊंगा कल बताऊंगा ऐसा बोल बोल के समय बीत गया और बच्चा भी बड़ा हो गया। अभी तो आपके दूसरे बेटे की भी शादी हो गई है, अगर मैं इस वक्त नहीं बोलता तो मेरी बेटी की तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाती। अब मेरा काम पूरा हुआ, ये मेरी बेटी आपकी बहू, ये आपका पोता, स्वीकार करो। देखा तुमने टॉयलेट, जैसे मैंने कहा था वैसे ही हुआ ना, तुम्हारे बड़े बेटे ने भी तुमको धूल चटा दी ना। ये तुमसे किसने कहा? मेरे गुरु ने समझाया था मुझे इस रिलेशन के बारे में। चोपड़ा तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे, मेरे पास इतना पैसा है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, करोड़पति हूँ, मेरा खानदान ऐसा है। पिताजी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तूने इस गरीब से शादी की इसलिए मुझे ऐसा दिन देखना पड़ रहा है। मैं तुम दोनों से कह रहा हूँ इज्जत के साथ इस घर से चुपचाप निकल जाओ। क्या घर से निकलने को कह रहे हो? ये कैसे घर से जा सकते हैं? इन दोनों की बकायदा शादी हुई है और इन दोनों की शादी का रजिस्टर सर्टिफिकेट मेरे पास है। यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि बुद्धिमानी इसी में है कि सारी जायदाद मेरे नाम लिख दो। तो चुप कर, सारी जायदाद मेरी है पिताजी, सारी जायदाद मेरे नाम कर तो मैं चला जाऊंगा। अरे चुप चुपचाप बैठ, क्या पैसा 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 करता रहता है। अरे भाई ऐसा ही हादसा मेरे गांव में हुआ था, पैसा पैसा बोलते बोलते एक आदमी भूत ही बन गया। अच्छा हाँ? मेरे गांव में भी एक आदमी पैसा पैसा करते करते आखिरकार कुत्ता ही बन गया। लेकिन वो कुत्ता कैसे बन गया? वो भूत बन सकता है, वो कुत्ता बन गया। तुम्हारे जैसा चाटने वाला कुत्ता मेरी जमान लटक रही है। पिताजी आखिरी बार पूछ रहा हूँ, जायदाद दोगे या नहीं? नहीं। क्यों नहीं? आपकी जायदाद पर मेरा भी बराबर का हक है। सुनो अगर कोर्ट गए तो तुम रोड पे आ जाओगे। गवर्नमेंट का ऐसा लॉ है कि दादा परदादा की जायदाद छोटे बेटे को मिलती है। जलसे के चक्कर में आकर किसी के नाम पे जायदाद तो नहीं कर दिया आपने? ओहो जो आप इतना सोच रहे हो। जब तक आपका फैसला नहीं हो जाता तब तक इन दोनों भाइयों में से कोई भी यहाँ से नहीं जाएगा। अब आप क्या सोच रहे हैं? जायदाद बांट दो, नहीं तो हमारे नाम कर दो, हम जायदाद का बंटवारा कर देंगे। आपको हम पसंद नहीं है तो जायदाद दो, हम चले जाते हैं। मैंने पूछा जलसे के चक्कर में आकर किसी के नाम पे जायदाद तो नहीं कर दी? मंदिर को दान दे दी क्या? कहीं अय्याशी में उड़ा दी क्या? पिताजी आप अपनी जायदाद हमारे नाम कर रहे हैं या नहीं? आप एक काम कीजिए, दोनों के नाम पर आधी आधी जायदाद कर दीजिए, न रहेगा बास न बचेगी बांसुरी। चुप हो जाओ, खामोश हो जाओ। तुम लोग इन दोनों में से कौन है ये तो मुझे पता ही नहीं है। ये सिर्फ मेरी बीवी को पता है कि इसमें मेरा बेटा कौन सा है, लेकिन वो तो कोमा में चली गई है ना। मालिक ये आप क्या कह रहे हैं? इतनी बड़ी राज की बात अपने सीने में लिए अब तक कैसे जीते रहे? अरे चुप कर, मालिक को भी एक्सीडेंट से पहले पता चला है। अरे मालिक सबको तो हम बातों में घुमा लेते, लेकिन आपको ये राज की बात नागराज के सामने तो नहीं बोलनी चाहिए थी। नागराज बहुत बड़ा अजगर है, वो अकेला सारी जायदाद हड़प कर लेगा। मालिक आपके दोनों बेटे तो अपनी अपनी बीवियों का पल्लू पकड़ के निकल जाएंगे, लेकिन मालकिन का क्या होगा? ये बात घर के बाहर किसी भी हालत में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो गाँव वालों को पता चल जाएगा। अगर आपके बेटे घर से बाहर चले गए तो आपकी बदनामी हो जाएगी। मेरे दिमाग में एक ढासू आइडिया आया है, अभी मैं किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मैं खुद बोलता हूँ। जो नहीं होना चाहिए था वो तो हो ही गया है, लेकिन अब अपने अपनी बीवी को लेकर अपने अपने घर चले जाओ। मैं जब तक कोई फैसला नहीं लेता हूँ तब तक कोई भी जायदाद के बारे में कोई बात नहीं करेगा। ध्यान से सुनो, ये कमल बहुत चालू आदमी है, किसी वक्त क्या करेगा किसी को पता नहीं, इसलिए हम लोगों को सावधान रहना होगा, संभल के। आप चिंता मत कीजिए, बस आप आइडिया देते रहिए और हम उसे देख लेंगे। अगर दुश्मन पार्टी अपने लगेज के साथ घर में घुसी है तो आप भी जल्दी से लगेज की तैयारी कर दो। ए मेरी बहन की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, और तो सुन अब तू ही कभी कभार आके देखभाल कर लिया करना मेरी सिस्टर की। टेंशन मत लो, मैं हूँ ना, सब देख लूंगी मैं। मेरी बात अब खड़े खड़े मेरा मुंह देखो, जाओ तुम दोनों अपने अपने कमरे में जाओ, चलो। ए, तू मुझसे पंगा मत ले, मैं कह रहा हूँ मैं जहरीला नाग हूँ, जो मुझसे टकराता है चूर चूर हो जाता है। तू मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता, अपनी दुम दबा के चुपचाप यहाँ से निकल जा। मैं कहता हूँ मेरी बात मान ले, नहीं तो हाल बेहाल हो जाएगा। एक काम कर, ए तू अपना स्पेशल पान निकाल, ले खा और आराम कर। रानी रानी जल्दी करो जल्दी करो। सुनिए
मैंने पुलाव बनाया है, आप पिताजी को खिलाकर उन्हें खुश कर दीजिए। वाह, सुनिए मैंने मेंदू वड़ा बनाया, पिताजी को खिलाकर खुश कीजिए। पिताजी इसे खाइए ना, ये बहुत अच्छा बना है। और खाइए। अरे पिताजी को खिलाइए, और खिलाइए, और खाइए पिताजी, और लीजिए, अरे ये क्या, चावल की फैक्ट्री में जैसे चावल निकलता है वैसे मुंह में चावल भर रहे हैं। मालिक को तो बस करने के लिए बोलना चाहिए, वो भरना बंद करेंगे तभी ना। तू ज्यादा मत बोल रमेश भैया, ये कच्चा केला ये भी पिताजी के मुंह में डालिए। तू जो चावल खिला रहा है गले में अटक गया है। नहीं तूने पकोड़ा खिलाया इसलिए मुंह में ट्रैफिक जाम हो गया। मेरे गांव में भी एक आदमी को हिचकी लगी थी, बाहर निकल के बाहर गई थी। अरे ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे गांव में एक आदमी को सर्दी हुई थी, उसकी नाक ही निकल के नीचे गिर गई। ऐसा कैसे हो सकता है, अरे जब जुबान बाहर आ सकती है तो नाक क्यों नहीं नीचे गिर सकती। मैं पानी लेकर आता हूँ। तू क्यों लाएगा, मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, चुप कर, मैं बड़ा हूँ, मैं लेकर आऊंगा, तुझसे मैं लेके आऊंगा, मैं लेके आऊंगा, तेरे पति कौन है, मैं लेकर आऊंगा, मैं लेकर आऊंगा, तू कौन होती बोलने वाली, मैं लेकर आऊंगा, मेरे पति बड़े हैं, वो लेकर आएंगे पिताजी के लिए पानी। शेखर कोई पानी देना चाहिए, मेरे हिसाब से तो मोटर चालू करके पाइप मुंह में डाल देना चाहिए। नहीं शेखर कोई पानी देना चाहिए। नहीं रमेश को, नहीं शेखर को, मैंने कहा रमेश को, नहीं शेखर को, मैंने कहा रमेश को, शेखर को, मैंने कहा ना तुझसे, हर चला लो पिताजी, पानी कौन लेकर आएगा यही तो हम डिस्कस कर रहे हैं। रुकिए पिताजी, मैंने कहा ना मैं लेकर आऊंगा, मैं पानी लाऊंगा। बाप रे, हाँ यहाँ पानी की वजह से इनकी जान चली जा रही है और आप लोग आपस में झगड़ा किए जा रहे हैं, इनको ठूस ठूस कर खिला रहे हैं आप लोग, और जब ये पानी मांग रहे हैं तो दे नहीं पा रहे आप लोग। भगवान न करे कि इनको कुछ हो जाए तो इनका सगा बेटा कौन है कैसे पता चलेगा, सब कोई अपने अपने प्लान को पूरा करने में लगे, किसी को इनकी फिक्र ही नहीं है। ये दूध पीते बच्चे थोड़े ही है, जितनी अकल तुझको है उतनी इनको भी है, झूठा प्यार जताने के लिए देखो क्या क्या बना के रखा है और मुझे खिला रहे हैं ये सब, ये सारी चीजें ये सब तुम लोग खा जाओ, जाओ जाओ जाओ। पॉटी को इधर से उधर किए जा रहे हो, औरत के दिल में तो प्यार होता ही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों इनकी सेवा कर रही हो कि क्या कर रही हो। हाँ तुम दोनों के पतियों को जन्म देने वाली माँ है ये, तुम दोनों की माँ जैसी है, इनकी सेवा करोगे तो तुम दोनों को पुण्य मिलेगा, पुण्य, हाँ पुण्य कमाओगे तो तुम दोनों की जिंदगी सुधर जाएगी। अरे अच्छे खासे तंदुरुस्त आदमी की सेवा करने को सेवा नहीं कहा करते हैं। अरे ये सुहागिन है, इनके मांग में सिंदूर भरोगी तो तुम दोनों का कल्याण होगा। कब से बिस्तर पे पड़ी है, तुम दोनों उनकी बहू हो, तुम दोनों का फर्ज होता है ना कि इनकी सेवा किया करो। पॉटी साफ नहीं करना, अरे बचपन में इसने कितनी पॉटी साफ की है तुम्हारे पतियों की, ये याद है कि नहीं तुम दोनों को। हाँ सुनो, आज तो मैं ये साफ किए दे रही हूँ, लेकिन कल से अगर ये तुम दोनों ने साफ नहीं किया तो देख लेना मैं क्या करती हूँ। क्या मालिक, आप बदन को घिस घिस के नहीं नहाते, कितनी मैल जमा हो गई है। अरे बुद्धू वो मैल नहीं है, वो मेरे जन्म की निशानी है, वो तिल है, वो हमारे खानदान की निशानी है, ऐसे निशानी मेरे दादाजी थी और मेरे पिताजी को भी है। क्यों दामाद जी क्या बात है, सुबह सुबह एक्सरसाइज कर रहे हो? आपने ही तो कहा था एक्सरसाइज करने के लिए। बोल। अच्छी तरह से एक्सरसाइज करो, आपने जो कहा एक काम करो वही मैं कर रहा हूँ, नीचे बैठो अब इसको उठाओ, हाँ और इसको ऊपर लो और ऊपर लो, हाँ फिर से, मालिक हाँ मैं पहचान गया। क्या पहचान गया, सही से बताना मुझे। उधर देखिए दामाद जी,
वर्कआउट बंद करो, अपना प्लान सक्सेस हो गया है। अरे समधी जी, देखिए कौन आया है, आपका बेटा आपका आशीर्वाद लेने आया है। चल बेटा झुक जाओ और छू ले इनके चरण। पिता जी। अरे ठीक से छू। प्रणाम पिताजी। अरे ये झुक गया तो आप इसकी तरफ ऐसा क्यों देख रहे हैं? अरे हाँ, लगता है आप इसका तिल देख रहे हैं, ये इसके फैमिली की निशानी है। हाँ हाँ सच, देखो मुझे भी दो तिल है, ये देखो। ए देखो हाँ, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? ये तिल तुम्हारे बदन पर कैसे आया? अजी ये दो दो रुपए के स्टिकर है, बाजार में मिलते हैं, निकाल के दिखा, दिखा रहे पिताजी समझिए। अरे टाइम पास मत कर, निकाल के दिखा। ओ, ओ, ओ। ये लो ये लो, ये दो रुपए, ये दो रुपए, ये डुप्लीकेट स्टिकर है, शेखर का ओरिजिनल है। ये लो, ये रहा आपका स्टिकर। अरे आप कहाँ जा रहे हो? रुको, आप कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना है। हाँ, ये हो गया, इनको भी तिल। लो इनको भी आशीर्वाद दे दिए सर आप। हेलो आशीर्वाद लो। मैं जाता हूँ। अरे बाप रे, मेरे आसपास तो सभी चोर लोग हो गए, सब लोग मुझे बेवकूफ बनाकर मेरी ज्यादा झड़पना चाहते हो। जाओ तुम लोग यहाँ से। पिताजी पिताजी क्या हुआ आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? ऐसा डरने की कोई बात नहीं है, एक एक घंटे में आके चेक करता रहूंगा। इसी बात का तो डर है। मेरे गांव में ऐसे एक आदमी का हार्ट अटैक आया था और उसका दिल नीचे गिर गया। ए कौन सा गांव है तेरा? कभी कहता है कि नाक नीचे गिर गई, कभी कहता है जुबान बाहर आ गई, क्या नाटक है? तेरे गांव के लोगों के अंग उनके शरीर पे नहीं रहते क्या? ये लो ये दवाइयां बाजार से ले आओ। ये दवा? ये तो गले में अटक जाएगी डॉक्टर। ये दवाइयां दिन में 3 बार देनी है, समझे? देखो तुम्हारे पिताजी को आराम की सख्त जरूरत है। तेरी वजह से मेरे पिताजी बीमार हो गए, दवाई मैं लेकर आता हूँ। ये दवाई तो मैं रोज अपने घर में डालता हूँ लेकिन एक भी खटमल नहीं मरता है। इससे तो इंसान मरते हैं, तो खटमल क्यों नहीं मरेंगे? लाओ 50 रुपए। अरे दामाद जी आप यहाँ? पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं दवा लेने आया हूँ। हाँ। ये दीजिए। मैं भी संबंधी जी को देखने आता हूँ। कितनी देर हो गई तू दवा लेने गया था? इधर ला। पिताजी को दवा मैं पिलाऊंगा। किस समय कौन सी दवा देनी है ये डॉक्टर ने मुझे बताया, तू जा अपना काम कर। चल जा। क्या हुआ, क्या हुआ बेटा? गिर गया तू सीढ़ियों से? क्या हुआ कैसे? देखिए ना सीढ़ियों से गिर गया, पता नहीं क्या हुआ, बहुत रो रहा है। नहीं बेटा मत रो। चलो पिताजी को दवा पिलानी है, चलो। क्या हुआ बच्चे को, कोई चोट तो नहीं आई? सारी दवाइयां ले, चलो। क्यों जोशी जी, आज मालिक का दिन कैसा है? आज यमराज भी आए तो मालिक का कुछ नहीं बिगड़ सकता। अरे आ गए यमराज। चुप करो, रमेश भाई दवाई लेकर आ गए। मालिक दवा पी लीजिए। पिताजी ये दवा पी लीजिए। रुकिए समधी जी, इसमें जहर मिलाओ, मत पीजिए इसे। जहर? ये क्या बोल रहे हो तुम? हाँ समधी जी, इसने आपको जान से मारने के लिए दवा में जहर मिला है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या कहा? मैंने जहर मिला है? ओए पागल हो गया क्या? ये देख रहे हैं आप, आपका बेटा आपकी दवाई में जहर मिलाकर किस तरह से झूठ बोल रहा है। आइए डॉक्टर साहब, आप सही वक्त पर आए। डॉक्टर डॉक्टर ये बोल रहा है कि दवाई में जहर मिलाया है, अब आप ही देखिए। लाइए डॉक्टर साहब पी के देखिए। मैं क्यों पीऊं? तो क्या मैं पीऊं क्या? यस इसमें जहर है। हटो यू रास्कल, मेरे पिताजी को जहर देकर मारना चाहता है। दवाई लेकर आया तू, तूने ही दवाई में जहर मिलाया और मुझे पिलाने को कहा और अब नाटक कर रहा है, मुझे कहता है घर छोड़कर जाओ, तू जा घर छोड़कर। नहीं शैतान चुप करो, दौलत के लिए अपने पिता को मारना चाहते हो तुम लोग, जाओ चले जाओ मेरी नजर से दूर, जाओ यहाँ से अभी। समधी जी मेरा दामाद तो सोना है सोना, पहले तू इस घर से निकल जा। क्या मैं इस घर से निकल जाऊं? तुझे कहा दामाद जी? अरे निकल, यहाँ पर कुत्ते की तरह फोकट में खाना खाता है, कोई इज्जत विज्जत तो है नहीं, चल निकल। दामाद जी पिताजी इसकी वजह से मुझे घर छोड़ने के लिए कह रहे हैं, अब अगर मैं यहाँ रहा तो मेरी कोई इज्जत नहीं रहेगी, मैं जा रहा हूँ। अच्छा समझी अच्छा, जाओ तुम यहाँ से, जाओ जाओ जाओ। पिताजी बहुत ही भयंकर कमीने खानदान के हैं लोग। यहाँ से हैं? उठ हैं? और घर से निकल जा। पिताजी 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 कुछ नहीं, जा घर से निकल जा, जा। के बेटे पर इल्जाम लगाकर कह रहे हो कि घर से निकल जा? मैंने जो कहा सुन। ठीक है आज के बाद शक्ल नहीं दिखाऊंगा, चलो अभी का अभी चला जा, जा कभी मत लौटना। बाप हो आप, अपने अलावा कभी किसी और की सोचते ही नहीं।
पहला प्लान बनाया तो कमल ने पूरा चौपट कर दिया, दूसरा प्लान मेरे खुद के दामाद ने शेखर ने चौपट करा, अब मैं और क्या करूं? हाँ? इस दौलत को पाने के लिए मैंने आज तक क्या क्या नहीं किया है। उस बुड्ढे ने घर से निकलने को कहा तो क्या मेरे दामाद को घर से निकल के आ जाना चाहिए? बॉस वो जायदाद ऐसी छोड़ देगा क्या? देख, आधी जायदाद तो अपने हाथ आनी ही है, लेकिन अगर उसकी बीवी ने कोमा से निकल के बोला शेखर उसका बेटा नहीं है तो? पर वो बुढ़ी कर क्या सकती है? अरे पागल सुन, अगर उसने कहा ये शेखर उसका बेटा नहीं है तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। उश, अरे बाप रे, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो वो कोमा में आराम से सो रही है, क्यों ना उसको हमेशा हमेशा के लिए सुला दूं? अच्छी तरह से पीस लिया करो, अच्छी तरह से पीसोगी तो इडली फूल की तरह फूल जाएगी, फूल की तरह। इडली के साथ मछली की कड़ी बनाएंगे, तुम्हारे भाई को बहुत पसंद है, अच्छी तरह से बनाना, मैं सिखा दूंगी कैसे बनाते हैं, ठीक है? तू इधर है क्या? बच्चे की तरह ये इडली की चक्की हाँ? पीसे जा रहा है। तेरी माँ उधर बीमार है और तू उधर अपनी बीवी के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा है। तेरी माँ जल्दी से ठीक हो जाए इसलिए मैं भगवान के मंदिर में प्रार्थना करने गया था। हाँ। सूरज किधर से होगा? तू जब भी मुंह खोलेगी कुछ बकवास ही करेगी। चुप, ये ले ये कुमकुम का टीका, तेरी माँ को जाके लगा दे, तेरी माँ ठीक हो जाएगी। और ये टीका लगाने के बाद जो घर के बीच में घंटी टंगी है ना उसे जाके निकाल दो, वो घंटी अच्छी नहीं लगती घर में, और तेरा बाप यही सोचता है कि कब घंटी बजेगी और कब तेरी माँ ठीक होगी। वो घंटी मैंने थोड़ी बांधी है, उन्होंने ही बांधी है, दवा में जहर मिलाने का इल्जाम लगाकर घर से निकाल दिया, और अब अगर ये कुमकुम लेकर गया तो फिर घर से निकाल देंगे, और अब मैं दोबारा उस घर से नहीं निकलना चाहता। क्या उल्टे सीधे घर में तुम पैदा हो गए और मुझे भी परेशान कर रहे हो? तेरी माँ को कम से कम बोलकर तो सोना चाहिए था, बिना बोले ही सो गई। भैया ये तो कह रहे हैं ये नहीं जाएंगे, तो आप ही क्यों नहीं टीका लगा कर आते? क्या बहना तू भी उल्टी सीधी बिना मतलब की बात करती है, मैं कैसे जाकर टीका लगा दूं? वो अपने बेटे को अंदर नहीं लेते, मुझे कैसे अंदर छोड़ देंगे? मेरा कहना मानो, तुम्हारा दिल साफ है, तुम्हारा हाथ साफ है, तुम जाकर माँ जी को टीका लगा दो, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाँ ऐसा है? हाँ ऐसा है? ऐसा है क्या? ऐसा है कर रहे हो, जाकर लगाओ ना, ये लो। अरे तूने मसाले का पानी मेरे आँख में डाल दिया, जलन हो रही है। हो गया तेरा नाटक शुरू, मैं तो चला यहाँ से। अरे पिक्चर देख रहे हो? कौन सी पिक्चर देख रहे हो? क्या है ए, तू कॉफी लेकर आया ना यहाँ पर रख दे और चुपचाप यहाँ से निकल जा। अरे विलन आ गया। हाँ बहुत खतरनाक दिख रहा है। अबे विलन है तो खतरनाक ही होगा, आंखें फाड़ फाड़ कर दिख रहा है। आंखें यहाँ तो फाड़ फाड़ के देखेगा ना। अरे दरवाजा भी बंद कर दिया। अरे ताला भी लगा रहा है। अरे अब ये क्या करने वाला है? यारो सुन लो जरा अपुन का ये कहना, पर जीना हो तो अपुन के जैसे ही जीना, अपुन के जीना। ऑक्सीजन का पाइप निकाल रहा था, मैं तेरे गले का पाइप निकाल दूंगा। आई
जोर जोर से आवाज आ रही है। जाकर देखो जरा। देखता हूँ। चलो जल्दी। नीचे बस के। ए क्या कर रहे हो तुम लोग? ए माजी, माजी। कमला, मेरी बीवी तो कोमा में, उसको मारने के लिए साजिश रचा तुमने। लेकिन मैं तो जब माजी को होश आएगा और ये बताएंगी ये तुम्हारा दामाद उनका बेटा नहीं है इसलिए उनको खत्म करने आ गए। ए ये झूठ मूठ का इल्जाम मुझ पर मत लगा। तू इस घर में क्या कर रहा है? ए मैं भगवान के मंदिर से दर्शन करके आया, माँ जी को टीका लगाने के लिए गया, तब शेखर के ससुर जी वो माँ जी का ऑक्सीजन का पाइप निकाल रहा था, तभी उसी वक्त मैं आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया, तो मैंने उसे वहीं पर पीटना शुरू कर दिया, लेकिन उसने कॉर्ड को धक्का मार दिया और माँ जी सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आके गिर गई। इनको बचाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया और तुम लोग मुझे कातिल समझ रहे हो? ए तू क्या उसके ऊपर इल्जाम लगाकर सोचता है कि तू बच जाएगा? मेरे रूम का दरवाजा लॉक करके मेरी बीवी को मारने की कोशिश कर रहा है। चल निकल जा, मेरी बीवी को सीढ़ियों से गिराते हुए अपनी आंखों से देखा है मैंने। ओ, सच क्या हुआ ये पता भी है तुमको? सच में ये हुआ था, सच में वो हुआ था। अपनी टांगों पे सीधा चला जा। बगैर मतलब की बात मत कर। सच क्या हुआ था ये मुझे पता नहीं, इसके लिए मेरे गुरु कहा करते थे कि बच्चा एक बात हमेशा ध्यान में रखना और उस बात को हमेशा गांठ बांध लेना। अरे रे। ए, मेरे गुरु जी ने कहा था जिसका भला मत करो उसका बुरा भी मत करो। इस जमाने में किसी का भला करना ही गुनाह है। मैं जा रहा हूँ। वो जाने को बोला, तू आने को बोल रहा है, ये मेरा घर है, क्या हो रहा है ये? हाँ सर जी, मैं बस इतना ही कह रहा था कि जिसका भला मत करो उसका बुरा भी मत करो। बोल बचन करने वाला है, जाओ जाकर पुलिस को फोन करो। नहीं पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। देखिए सेठ जी, मैं तो कहता हूँ आप भी मेरे गुरु के शरण में आ जाओ। जिसका भला मत करो उसका बुरा भी मत करो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, आप चिंता मत करो। गुरु को बोले तो बोलता है, गुरु ये कहते हैं गुरु वो कहते हैं। मालिक मालिक, मालकिन को होश आ गया। मालिक आइए आइए। होश आ गया कमला। कमला तुम्हें होश आ गया? इतना सब कुछ हो जाने के बाद मैं चुप नहीं रह सकती। मैं सच्चाई बता दूंगी। आपको पता है जब मैं पहली डिलीवरी को जा रही थी उसी वक्त आपने कहा था कि अगर मैंने लड़की को जन्म दिया तो आप 18 साल तक परेशानी और दुख दर्द में रहेंगे। आप ही ने कहा था अगर तुझे लड़का पैदा हो तो इधर आना और अगर लड़की पैदा हुई तो अपने मायके में ही रहना। इस बात को लेकर मैं डर गई कहीं लड़की पैदा ना हो जाए। और आप मुझे अपनाने से इनकार कर दे, इसी डर से मैंने सारी बात अपने पिताजी को बता दी। उस वक्त जब लड़की पैदा हुई तो ये देख कर पिताजी डर गए कि कहीं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ना हो जाए, और इसी डर की वजह से उन्होंने कैसा कदम उठाया। आप तो जानती हैं डॉक्टर, मेरे पहले ही कितने बच्चे हैं। आप इस बच्चे को अनाथालय में दे दीजिए, मैं इसकी परवरिश नहीं कर पाऊंगी। सुनो बेटी, मुझे भी ये बात मालूम नहीं थी, लेकिन शेखर जब 15 साल का हो गया मैं उसे लेकर पिताजी से मिलने मायके गई। तब पिताजी ने मुझे हकीकत बताई, लेकिन इस डर से मैंने ये हकीकत उस वक्त मैंने आपको नहीं बताया कि कहीं आप शेखर को इस घर से बाहर ना निकाल दे, इसलिए मैं आज तक चुप रही। मालकिन, आपने जिस बच्ची को जन्म दिया था वो इस वक्त कहाँ है? वो बच्ची अब कहाँ है, जिंदा है कि मर गई? मैं मालकिन से पूछ रहा हूँ ना, तू बीच में क्यों गुस्से जा रहा है? तेरी वजह से मैंने जोशी को थप्पड़ मार दिया। ये तो पुजारी है। नहीं जोशी हूँ। हाँ जोशी है, मुझे पता है। हाँ बताइए मालकिन। मुझे कुछ बताने से पहले ही मेरे पिताजी गुजर गए और मेरी बच्ची का कोई अता पता नहीं। ए होश में आ, एक बात बता, तेरी बेटी के गले में जो लॉकेट है वो तूने कहाँ से चुराया? तुझे किसने कहा कि मैं अपनी बेटी को चुरा के लाया हूँ? अबे तेरा तो स्त्री करने का धंधा है बेवड़े, सच सच बता नहीं तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा। तू ज्यादा जोर से धमकाएगा ना तो मैं सच बोल दूंगा। अरे इसीलिए तो मैं तुझे डरा रहा हूँ। मेरी बेटी के गले में जो हार है ना, ये तुझे बता दूंगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे। मां
मैं आपका सगा बेटा नहीं हूं, इसके बावजूद आपने मुझे सगे बेटे से भी ज्यादा प्यार दिया। आपका बड़ा दिल है। सगे बेटे नहीं हो तो क्या हुआ? पर मैंने आज तक तुम में और रमेश में कोई फर्क नहीं किया। पिताजी, मेरे माता पिता कहाँ हैं? हाँ, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं या मर गए मुझे नहीं पता। ये तो इतना बड़ा रामायण हो गया। मुझे भी मालूम नहीं, लेकिन जब मेरी पत्नी ने कहा तब मुझे पता चला। रमेश, पिताजी ने गुस्से में जो कुछ कहा उसे दिल से निकाल दे। छोड़ो ना माँ, जाने दो। ये रानी है आपकी बहू। माँ जी, ये मेरी बहन है। जब आप कोमा में थी तब ये सब हो गया, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे दीजिए माँ जी, इन दोनों की शादी मैंने करवाई है। ये लड़की कौन है? मैं चमेली हूँ। ये मेरी होने वाली भाभी है। ए, ना ये भाभी है ना कुछ है। सबके सामने मैं एक बात बता दूं कि ये आपकी बेटी है। कमल, ये क्या कह रहे हो तुम? ये देखिए, इसके गले का सोने का लॉकेट। ये तो हमारे खानदान की निशानी है। ये लॉकेट। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। शॉर्टकट में बोलूं या छोड़ दूं? हाँ बोलना। आप तो लड़के को उठा कर ले गए, लेकिन लड़की को उठा कर ले जाने वाली इनकी बीवी है। लड़के और लड़की की अदला बदली करके आप तो निकल गए, लेकिन इन्होंने आपकी बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया। ये बोलना। ये सच है, ये आपकी बेटी है। पहले मैंने इसको पैसों के लिए पाला था, लेकिन जैसे जैसे ये बड़ी होती गई तो मैंने इसको अपनी बेटी समझ कर पाला। अब आपकी बेटी आपके हाथों में सौंपते हुए मेरा दिल रो रहा है। जब देखो रोता रहता है, ऐसे रोते हुए क्यों बता रहा है? लड़की जा रही है तो क्या हो गया? ये देख, तेरा लड़का तेरे सामने खड़ा है। ये मेरा लड़का है? नहीं तो क्या, ये मेरा लड़का है। जा जाके उसके गले मिल, चल जा। अरे माफ करना, लगता है इसने सुबह सुबह चढ़ा लिए। ए, तेरा लड़का उधर है, चल जा उधर। बेटा, बेटी। बेटा कमल, तेरी वजह से मेरे घर परिवार का सब ठीक ठाक हो गया। मैंने भगवान से मन्नत मांगी थी, वो मन्नत पूरी करने के लिए मुझे मंदिर जाना होगा। मन्नत पूरी करने के लिए ये सारे लोग मंदिर जा रहे हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। अब एक काम करते हैं, पूरी की पूरी फैमिली को एक साथ भगवान के पास हमेशा के लिए भेज देता हूँ। हम लोग उनको मारने की सोच रहे थे, लेकिन वो खुद ब खुद मौत के मुंह में अपने आप ही जा रहे हैं। मेरी बेटी 3 महीने से पेट से है, और जब मेरी बेटी ही नहीं जाएगी तो मेरा दामाद भी नहीं जाएगा। लेकिन घर के बाकी लोग भगवान के नाम पे जपते हुए मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर भगवान के दर्शन के लिए जाएंगे और भगवान के पास पहुंच जाएंगे। आपको फ्री में मिला है? ए? टॉवेल मिलने के बाद ऐसे ही जा रहे हो? थैंक्स वगैरह कुछ नहीं बोलोगे क्या? अच्छा, तो गूंगा है, सारी चीजें इशारों में ही बात करते हो। ले ले मेरे दाता शरणम शरणम। क्या किया वो ठीक से बताओ। गजरे में बम लपेट कर हर एक की टोकरी में मैंने रख दिया है।
अब थोड़ी देर बाद बम का धमाका होगा और उसका खानदान खत्म। जग के ओ रखवाले हम सबको तू ले ले शरणम शरणम बोलो शरणम शरणम। पापियों के पाप हरे दुष्टों का नाश करे दुखियों पे दया करे पीड़ा सबकी तू हरे। जग के वो रखवाले हम सबको तू ले ले शरणम शरणम बोलो शरणम शरणम। दे दे शक्ति दे भक्त को भक्ति दे। दे दे शक्ति दे भक्त को भक्ति दे। जोर से बोलो बम बम बोले प्यार से बोलो बम बम बोले झूम के बोलो बम बम बोले फिर से बोलो बम बम बोले। देखो होशियारी से तुम लोग भीड़ में मिलजुल के आगे बढ़ो हैं, किसी को शक नहीं होना चाहिए, समझ गए हो ना? हाँ ध्यान से बिल्कुल होशियारी के साथ जाओ जाओ। चाय 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 वाला गर्मा गर्म चाय पी लो। हाँ हटना चाय ए, चाय कैसा दिया? एक कटिंग 5 रुपया सर। अरे 1 रुपए वाली चाय देना। 5 रुपए नहीं, इसका 1 रुपए में मिलेगा। और नहीं तो क्या, मेरे पास 1 रुपया 1 रुपए की चाय लूंगा। दारू आ जाती है, क्या बात कर रहे हैं? जब देखो दारू की बात करेगा। अबे देख के गिराएगा क्या मेरे ऊपर? ये लीजिए सर। ये ले, हाँ ले चाय ले। लाओ मैं उठाऊंगी, छोड़ो। मैंने मन नहीं, मैं उठाऊंगा के लिए। अरे मैं कह रहा हूँ मैं उठाऊंगा, तू चाय पी ले। अरे छोड़ो ना, ये बहुत भारी है मेरे हाथ में, दे। ये क्या? अरे सब मेरी बाल्टी कहाँ ले जा रहे हो? निकालिए इसे, निकालिए। क्या निकाल रहा है? आप चिंता मत करो, इसमें से निकालिए। ये क्या कर रहा है तू? ये बम है। अरे बाप रे बाप। माँ किधर है? माँ ऊपर जा रही है, मुझे उसी बात का डर है। जल्दी जा, जल्दी जा, जाकर देख। पिताजी आप ठीक तो हैं? आपको कुछ हुआ तो नहीं? कुछ नहीं हुआ। और माँ? माँ ऊपर जा रही है, जाकर देख। अरे अरे रमेश और रानी किधर है? अरे वो देखो ऊपर जा रहे हैं। क्या किया तुमने? देखा नहीं तुमने, इसमें बम था। किसने रखा होगा? पता नहीं। We'll be right back.
बेटी तू ठीक है ना? सबके टोकरी में दो दो बम रखकर हमारी सारी फैमिली को बिठा देना चाहता था। कहीं का ट्रेन में बम रखते हैं, बस में बम रखते हैं, कारों में बम रखते हैं, अब टोकरियों में भी बम रखने लग गए हैं। अब इसके मुंह में इडली में बम रख के डाल देना चाहिए। खाली इडली कैसे डाल सकते हैं? चटनी तो डालनी होगी। तुझे एक लाफा दूंगा। ले जाओ इसे। पिताजी ये सब क्या हो रहा है? ये सब कुछ मेरी वजह से हो गया। मैंने अपनी बीवी से कहा था कि तुमने अगर बेटी को जन्म दिया तो मेरे घर पर मत आना, इसका कारण मैं ही हूँ। बच्चा तो बच्चा ही होता है ना, फिर चाहे वो लड़की हो या लड़का हो। तुमने मेरे घर की हिफाजत के लिए इतना सब कुछ किया, मैं ये जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुम्हारा धन्यवाद। क्या कहा धन्यवाद? मैंने इतनी सारी सीढ़ियां चढ़कर तुम्हारी टोकरी से बम निकाला, तुम लोगों की जान बचाई और तुम सिर्फ धन्यवाद कर रहे हो क्या? मैंने सोचा था कि धन्यवाद की जगह आप अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देके उसकी शादी करवा दोगे। मैंने भी यही सोचा था, लेकिन तू बेशर्म होके कह रहा है तो ला हाथ दे। अरे ससुर जी इनका नहीं। बड़े खुशी से हाथ बढ़ा रही है, शर्म नहीं आती तुझको? तेरी बेटी का हाथ चाहिए, तेरा नहीं। अरे ये वाला हाँ, वो नहीं ये। हाँ क्या कर रहे हो ये है? तुम लोग खुशी खुशी जिंदगी बिताओ है। राजा महाराजा अपना महाराजा, गरीबों का ये दाता हम सब का ये राजा। राजा महाराजा अपना महाराजा,